यस्माद् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल जन सुदज्यमान दुख सदम तदपि दुःखम् अतद्धियाहम् भूमो न भ्रमामि वदमि तव दासयोगम्। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जो हमारा नित्य जीवन क्या हो, ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाए, हमारा नित्य जीवन कैसा होंगे, इस विषय पर विशेष चिंता करना चाहिए। जो लोग संसार में उलझे हुए हैं, ये लोगों का जिंदगी में ये सब क्वेश्चन आना बिल्कुल संभव नहीं। तत्व जिज्ञासा जब तक ना आए तब तक कोई समाधान नहीं। और पोपा जी ने बताए कि देखो ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाए, क्या हो, इस विषय में चिंता करना चाहिए, तब तो भजन करने का इच्छा बनेगा, नहीं तो कुछ सुविधा नहीं। गौड़ीय मठ का विषय में कल आज सुबह में भी बताया, गौड़ीय मठ का प्रचार का ऊपर, गौड़ीय मठ का भजन का ऊपर, गौड़ीय मठ का आदर्श का ऊपर दुनिया में 14 भवन में कुछ नहीं है। इतना ऊंचा दर्शन, इतना ऊंचा विचार, इतना सिद्धांतों का जो विचार है कहीं भी नहीं, तमाम दुनिया में कहीं भी नहीं है। साक्षात राधा रानी स्वयं जिस विचार पे चलते हुए श्याम सुंदर जीव का सेवा करे करती रहती है, ये विचार है गौरी मठ का। बड़ा आश्चर्य सिंह और द्वादश महाजनों का बात पहले भी कह चुके, स्वयंभूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलाद विष्णु जनको वलीर वैयास किर वयम द्वादशते विजानी मो धर्मम भागवतम भट्टा गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्बोध्यम यद ज्ञात्या अमृतम अश्नुते। ये अमृत जो है, ये अमृत बड़ा गुप्त है, हर किसी को दिया नहीं जाएगा। अभी देखो आठवां स्कंद आएगा, उसमें समुद्र मंथन का बात आएगा, और समुद्र मंथन के बाद अमृत और जहर दोनों उठा है, इसका भी गंभीर दर्शन है। समुद्र मंथन तो हुआ ही था, चाक्षुष मन्नंतर में समुद्र मंथन हुआ था, इस विषय में चर्चा करें। विचार करो तो देखो ये संसार समुन्दर जो है, इसमें भी मंथन करते रहो, उसमें जहर मिलेगा और अमृत मिलता है, सुख और दुख दोनों। देवता लोगों के पास जो अमृत है वो अमृत के द्वारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, संभव नहीं। वो अमृत जो है कुंभ मेला में इतना भीड़ भड़ाका होता है वहाँ, ये अमृत जो है, ये जो भागवत अमृत है, वास्तव अमृत, इसके द्वारा ही जीवात्मा अमर हो जाते हैं वास्तव। और देवता लोगों को अमर नाम दिया गया, लेकिन एक कल्प तक बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। उस तक कोई बीमारी नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, वार्धक्य नहीं आएगा, वो अमृत पिया है, ऐसा है। श्रील प्रह्लाद महाराज का विषय जो है बड़ा आश्चर्य विषय है,
प्रहलाद महाराज जब भी कोई प्रचार करे, गौड़िया मठ का प्रचार सबसे ऊपर है, इसका बहुत कारण है। गौड़िया मठ का प्रचार का ऊपर ही सिर्फ गौड़िया मठ का प्रचार क्या है, गौड़िया मठ का सिद्धांत तो क्या है, इसका ऊपर विचार चले दिन पे दिन, फिर भी समझ में आना मुश्किल है। इतना गंभीर चीज है गौड़िया मठ का विचार। और ये जो प्रहलाद महाराज जी है, प्रहलाद महाराज का प्रचार प्रसंग आप देखें, प्रचार कितना सुंदर। नरसिंह भगवान का पास सुबह में बताया था, नरसिंह भगवान को बताएंगे प्रहलाद महाराज देखो ये सबको कृपा करो, ये सब असुर बालक है, सबको कृपा करो, आपकी अगर हमको कृपा करना चाहते हो तो ये लोगों को सब कृपा करो, नहीं तो कृपा क्या कर। नारद जी महाराज तो हमको पहले ही कृपा कर दिया, आप क्या कृपा करोगे। सुबह में चर्चा होते होते हिरण्यकशिपु शिव ने सब जितना सारे असुर लोग हैं, कौन असुर लोग, सिर्फ हिरण्यकशिपु नहीं, जितना सारे असुर लोग समाज में विद्यमान हैं, सब सबका ही चैलेंजिंग मूड रहता है, सबका अंदर में चैलेंजिंग मूड, सबमिशन किसी के अंदर में नहीं है, चैलेंजिंग मूड। और ये हिरण्यकशिपु जो है, ये हिरण्यकशिपु का व्याख्या प्रभुपाद जी भक्ति में ठाकुर जी बोले, ये हम लोगों का हृदय में हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, ये हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान के द्वारा मारो पहले। हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब धन दौलत आदि, कशिपु मतलब सज्जा अर्थात कामिनी कांचन, एक मोरल जो इसका जो अर्थ आया गुप्त अर्थ इसमें कामिनी कंचन, इसी का नाम है हिरण्यकशिपु। ये हिरण्यकशिपु सबको के हृदय में बैठा हुआ है, जब तक ना हटाओगे कुछ नहीं होगा, होने नहीं देंगे, बिल्कुल भजन करने नहीं देंगे। पहला काम है नरसिंह भगवान को बुलाओ, प्रहलाद महाराज को बुलाओ, नरसिंह महाराज को बुलाओ, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को नाश करे, जितना सारे शत्रु है। उस दिन गीता से बताया था, याद शायद याद है, अथक केन प्रयुक्त है उन पापन चरति पुरुषः, इसका उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण, काम ऐशो क्रोध ऐशो रजो गुण समुद्भव महासन महापापना विद्धिनम एनम वैदिनम, यही हिरण्यकशिपु है। और समाज में सब लोग की असुर है मैक्सिमम, क्योंकि असुर का संज्ञा हम पहले भी बताए, विष्णु भक्त भवे दैव असुरस्तद विपर्जय, जो विष्णु वैष्णव भगवान गुरु वैष्णव का ऊपर धाम नाम का ऊपर कुछ विश्वास नहीं रखते, इसका ही नाम है असुर। जितना सारे मायावादी साधु है, मायावादी, यहां तक कि हमारा जो संप्रदाय उसमें भी किसी का अंदर में भगवान गुरु वैष्णव धाम नाम का विषय विश्वास नहीं है, वो भी असुर है। असुर विष्णु भक्त जो है वो दैव भाव संपन्न, बाकी सब सारे असुर है, असुरी ज्यादा है। इस अवस्था में सुबह में देखा प्रहलाद महाराज को बहुत फटकारा, गाली दिया, बोले तेरा इतना साहस कहां से आया, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामने डट सके, मेरा सामने बात कर सके, अगर थोड़ा सा मैं आंखें लाल कर दूं पूरा दुनिया एकदम घबरा जाए, त्रिभुवन कांप उठे, और तेरा अंदर में इतना पावर कैसे हुआ, किस क्षमता से ऐसा कर रहे तू। प्रहलाद महाराज ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, पिता तो गाली दे रहे, हिरण्यकशिपु तो बोल रहे, हे दुर्विनीत तो मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्वृत्तम नेश्वेत्वा जमक्षम, तेरे को जमालय में भेजेंगे, देख अभी
बोल क्रुद्ध सोजस्व कंपते त्रयो लोका स्वयस्वरा, मेरा क्रोध होने का साथ साथ त्रिभुवन कांप उठते हैं ऐसा ऐसा, तेरा अंदर में सब पावर कहां से आया? प्रहलाद महाराज विनम्र भाव से बोले थे, विनम्र भाव से बोले, क्योंकि प्रहलाद महाराज का अंदर में कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को मार डालेगा ये करेगा। जो लोग भक्त करता है, भक्ति करता है, वो लोग सच्चा बोलने से डरता नहीं, ये एक सिम्टम है, चाहे कम लोग हो वैसी लोग हो। क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है समाज में, जो पॉपुलैरिटी है, एक साधु का परिचय नहीं है। समाज में जो पॉपुलैरिटी है ये साधु का परिचय नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का कथा कितना आदमी का कानों में गया, कितना आदमी का, बाजार का कोई कथा बोलने बैठे तो आ जाएगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, गाना होगा, बजान होगा, होगा। इसका ऊपर साधु का वैल्यूएशन नहीं होता। लोक प्रतिष्ठा कितना है इसका ऊपर बेस करके हम साधु कैसा है ये विचार नहीं कर सकता, वो ही नहीं सकता। भक्ति विनोद ठाकुर एक आदमी के सामने हरिकथा बोलते, एक आदमी, कभी कभी दो, कृष्णदास बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भागवत जी व्याख्या कर रहे हैं सानंद सुखता गुंज, और कभी कभी गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज प्राय आ जाते थे। क्योंकि सच्चा प्रवचन जो है सब कोई का कानों में नहीं जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, कोई व्यक्ति सच्चा सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ा बीमारी समाज का यही है, सुधारना किसी भी हालत संभव नहीं। बोलने जाओ बोले महाराज निंदा करता है, ये निंदा नहीं, ये तो सच्चाई को पेश किया। हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो किसी का निंदा करे, हमारा कोई शत्रु नहीं है, भले ही मेरे को कोई शत्रु समझे। निंदा तो हिंसा का बाद होता है, जिसका अंदर में हिंसा नहीं है तो निंदा क्या करे, गुरु वैष्णव शासन करे हो तो निंदा नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी गीता में भी बताया, जो दूसरे को उद्वेग नहीं देता है और खुद भी उद्वेग को ग्रहण नहीं करता, ये साधु का लक्षण है। देखिए एकदम टेंशन फ्री, जब भी देखो बच्चा कमा भी, कभी खाए कभी पिए सुए बस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, गोली फोली खाने का कोई दरकार नहीं, सो जाएगा, टेंशन फ्री, किन्तु उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है कुछ समाज से, समाज से कोई मतलब ही नहीं है। ठाकुर जी इच्छा है तो करा ले सेवा, नहीं तो जाओ, पैसा तो ऐसे ही रहेगा नहीं, खराब हो जाएगा, सेवा में आए तो अच्छा है। प्रहलाद महाराज बोले, न केवलम मे भवतश्च राजन सवैवलम बलिनांच परेशाम परावरे उमी स्थिर जंगमा जे ब्रह्मादयो जेन वसम प्रणीता। ये केवल हम बात कर रहे, जिसका शक्ति से ये शक्ति, आप जो बात कर रहे हो वो आपका, ब्रह्मा आदि जितना देवगण है सबका, ये समाज संसार का परे अवरे जो कुछ भी है, जहां जो कुछ भी शक्ति है, ये ठाकुर जी के, ये परम, वो जिसका शक्ति है, इसका शक्ति से मैं भी बात कर रहा हूं, आप भी बात कर रहे हैं, ऐसा है। बोलने का साथ साथ इतना गुस्सा हो गया, एकदम मारो इसको, मारो, सब बुलाए, छिंदी भिंदी इतिबादी नहा, मारो काटो बोल के सब आ गया, सब दैत्य दानो मार, प्रहलाद को उठा के लेके आ मार, सूल लगाना शुरू कर दिया, काटना पीटना। सुबह में बताया था पहले, अभी ये सब पहले का बात हम बोल रहे हैं, जितना अत्याचार हो गया, पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, जहाँ वाइजैक है उसका नाम है विशाखापत्तनम, वहां जाओगे तो जियर निशिंग है, वहां प्रहलाद महाराज को समुन्दर का ऊपर पकड़ लिया, ऊपर से फेंका प्रहलाद महाराज को, और 20 दे दिया शरबत के साथ, वो है पाना निशिंगो जाओ, वो निशिंगो देव है, अभी भी कहाँ जाओगे, अहोबल निशिंगो जाओ, पहाड़ का ऊपर, जंगली पहाड़, संध्या हो जाए तो तुमको जानवर खा लेगा, बहुत जल्दी आना पड़ेगा गुफा का अंदर, पुजारी भाग जाते पूजा करके, बस आंध्र प्रदेश में वो अभी भी है, जिस जगह
गुफा का अंदर बंद कर दिया प्रहलाद महाराज को घुसा के, उस जगह क्या हुआ, फिर नृसिंह भगवान प्रकट हो गया बचाने के लिए। तो अभी जो है ये सब तो अत्याचार हो चुका, यहाँ तक भी आग में जलाने का जो कोशिश किया ये भी हम बता दिए होरिका को, होरिका का होरिका अग्नि का वर है कि उसको जला, उसको जलाना संभव नहीं, जलना संभव नहीं, कैसे जले। होरिका को हरिया बहन को बोले हरिका तू इसको लेके बैठ जा, आगुन लगा दिया चारों ओर। प्रहलाद प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ, तेरे को तो आगुन कुछ नहीं करे, जो होली का पहले होरिका जो जलाते हो होली का पहला दिन वो होरिका हिरण्यकशिपु का बहन, और उसको लेके बैठ गया। बस अब जला दिया तो उल्टा हो गया, आग उसको ही जला दिया, प्रहलाद माँ से कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद माँ हंसते हंसते निकल आए, और बड़ा मुश्किल की बात है, लड़का अजीब का लड़का कुछ नहीं हो रहा है, तो चिंतित हो गया शायद इस लड़का से मेरा मौत हो जाए, क्योंकि ऐसा तो जिंदगी में सुनना ही नहीं, काटना पीटना सूल मरना बीज देना कुछ भी हो ही नहीं रहा, अजीब सा बात है। तब पूछे जो तेरा जो ये बोल रहा है जो ठाकुर है तो कहाँ है बोल, अगर ना बोल सके तो अभी हम काट देंगे, ये तरवाल है तरवाल से काट देखें। स्वहम विकथमान शीर कायाद हरामी थे, अभी गले से एकदम मुंड अलग कर दे, बोल ठीक से अभी बोल। जस्तया मंद भाग्यो जस्तया मंद भाग्योक्तो मद अन्न जगदीश्वर, मैं छोड़ के अगर जगत में कोई ईश्वर है तो कासो कहाँ है, बोल बोल कहाँ है, कासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तू बोला सर्वत्र है मेरा भगवान, तू बोला हरि सर्वत्र विराजमान है, तो हरि विराजमान सर्वत्र क्या स्तंभ में, अगर बोल ना सके तो तेरा गर्दन एकदम ले लेंगे अभी, देख तरवाल खोल लिया, हाँ और हिम्मत है तो तेरा हरि आके बचाए तेरे को। सो अहम विकथ मान शीर कयाद हरामी थे गोपा ये तो हरिस्तु आद्य यस्ते शरण मिश्रितम, यस्ते शरण मिश्रितम, जिसका शरण में तू है सोच के रखा है वो बचाएगा, बचाना बचाए तेरे को, देखे हम बोल स्तंभ में है। प्रहलाद महाराज विनम्र भाव, स्तंभ में भी है हरि, हमारा जो हरि है वो स्तंभ में भी है, स्तंभ में भी जो बताया एकदम गुस्से में आकर बहुत बाप रे, एक मुक्का लगाया स्तंभ एकदम चूर चूर हो गया। हिरण्यको उसका जो भैया है, भैया क्या करते थे, बोले पर्वत का पास गया, हाथ में खुजली हो रहा है, मार दुम पर्वत, पर्वत पूरा गुरा होके चूर चूर हो गया, ऐसा हिम्मत, हाथ में खुजली होता था, ए बोरुन तो हमारा साथ लड़ोगे, बड़ा खुजली हो रहा है, हमारा साथ लड़ाई करने वाला कोई नहीं मिलता, बोरुंदे बाबा आ जाओ, हाँ बोरुंदे बोला हम तो आपका सब क्या लड़े, आपका साथ लड़ने वाला पूरा है, उधर जाओ रसातल में जाओ वो मिलेगा, आपका खूब आनंद होगा, ऐसा लड़ाई होगा कुत्ता का माफी का परा रहोगे, इतना सुंदर लड़ाई होगा जाओ, ऐसा बोल के भगा दिया। बोले असुर के साथ क्या लड़ाई करे बेकार। तो ऐसा करते करते जब बताया कि स्तंभ में है, बोला है तो ठाकुर जी क्या किया, अपना भक्तों का बात सच्चा प्रमाण साबित करने के लिए स्वयं इधर से प्रकट हो गया। सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, निजभित्त अपना जो प्रहलाद जो सच्चा कह रहे हैं इसको साबित करने के, सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, सर्वभूत में ठाकुर जी है, अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट बोलता है ठाकुर जी, जत सत सर्वोत्त सर्वदा,
सर्वदा ठाकुर जी है, कहीं भी देखो। अगर आपका विश्वास है, भक्ति है, प्यार है, तो ठाकुर जी आ जाए, नहीं तो ठाकुर जी छुपे रहेंगे। और इधर भले इधर जो है, सत्यम विधातम निज वित्त भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, तो ठाकुर जी प्रकट हो गया। कैसा? बोले स्तंभ में प्रकट हुआ, स्तंभ में। न मिगंधम न मानुषम, ना सिंह है न मानुष है, ये क्या चीज है? न मृगम न मानुषम, ऐसा। और हिरण्यकशिपु सोचते रह गए कि कौन सी अजीब सी प्राणी है, ना तो सिंह है ना तो ये, सब तो जिंदगी में देखा ही नहीं, आधा आदमी आधा सिंह है, ये कैसा है? ना यं मृगो नापि नरो विचित्र महो किम एतत् निमिगंध रूपम मीमांग मीमांस मानुष्य समुत्थित अग्रते निशिंग रूपस्तदलम भयानकम। ऐसा विचार करते रह गए, कौन है, कैसा है, कभी देखा ही नहीं ऐसा, क्या आधा निशिंग आधा सिंह, हा कर रहे, बाप रे बाप क्या है। ऐसा चिंता करते करते सामने निशिंग बाबू एकदम आपिर बाबू गए खम्बा से, हा 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 करते करते जब ये भयंकर निशिंग रूप प्रकट हो गया, तो निशिंग रूप का वर्णन थोड़ा है, बड़ा आश्चर्य रूप है। प्रतप्त चामी करचंड लोचनम स्फुरत सटा केशर जिमृताननम कराल दंष्टम करवाल चंचल खुरांत जीवहम भ्रुकुटी मुखोलवणम। भले प्रचोत आग जैसा कराल दंष्ट, एकदम करात का मापी जैसे काट के फेंक दे दांत, ऐसा। और केसर जो है ऐसा ऐसा कर रहा है, केसर जैसे कि केसर का ऐसा करने से मेघ सब हवा में चला जा रहा, बाप रे बाप रे बाप। और कराल दंष्टन करवा, आज जीवा जो है ऐसा ऐसा कर रहा है, यह तरवाल का मापी, बाप रे बाप। और भ्रुकुटी किया ऐसा, अपना जो सिंगो को देखा ऐसा करता है सिंगो, ऐसा किया। और कान जो है स्तब्ध बोलचन स्तब्धोर्द कर्णम गिरिकंदरात भूत व्यत्यासन नासम हनुभेद भीषणम, भयंकर रूप। हिरण्यकशिपु सोचते रह गए क्या है, बाद में क्या किया दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी का जो शरीर है अपराकित। चैतन्य महाप्रभु साक्षात वाराणसी में है, मायावादी का सामने कहीं नहीं जाते महाप्रभु कहीं नहीं जाते, लेकिन भक्त लोग रोते रहते हैं, ये मायावादी सब निंदा कर रहे हैं ठाकुर जी आपका, ऐसा कुछ समाधान हो जाए तो अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों का अंतर का बात जानते, सब दुखे मारे रो रहा है, हर जगह चैतन्य महाप्रभु का निंदन है, यार बेकार कहां से आया है, लंबा धरांगा नित्य करते रहते हैं, विचार नहीं करते, सन्यासी है बैठ के वेदांत तो सुनो कुछ नहीं, पागल का माफी नित्य कर, सब जगह निंदा। और श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोलते, जब भी कोई बोलते निंदा के दराय चैतन्य चैतन्य ऐसा बोलते, कभी भी नाम पूरा नाम नहीं देते, कृष्ण नहीं आएगा, कृष्ण चैतन्य ये कृष्ण नहीं आएगा। ये ब्राह्मण आके बोला महाप्रभु को, प्रभु जब भी आपका निंदा करने के लिए आपका नाम लेता है तो आधा नाम लेता है, चैतन्य 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 बोले, कभी श्री कृष्ण चैतन्य वो बोले, देखो मायावादी कृष्ण चरण है अपराधी, ये लोग जवान भी कृष्ण नाम आएगा नहीं, इसीलिए नहीं बोलता, तो दोस्त का क्या है, रहने दो, नहीं बोलो निंदा करे करे। बाद में जब एक ब्राह्मण आए, पहले तो चला गया महाप्रभु वृंदावन होके, फिर लौटने के समय बस कृपा करना है, अभी जो ब्राह्मण एक ब्राह्मण आए, शुद्ध ब्राह्मण आके बोले, मेरा एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना आप अगर मंजूर करो तो बड़ा भारी कृपा होगी मेरा ऊपर, मैं इस बात का हमारा पता है कि आप किसी का जन नौता नहीं लेते हो, निमंत्रण नहीं जाते हो, आप खाते पीते नहीं हो बाहर में, मैं मेरा पता है,
लेकिन मेरे को कृपा करने के लिए ये नौता जो निमंत्रण है आपको स्वीकार करना ही पड़े कृपा करके। महापुरुष समझ गया जी ये सारे मायावादी लोगों को बुलाया निमंत्रण करने के लिए, सब नौता में निमंत्रण किया, हजारों हजारों मायावादी। तो प्रभु ने मुस्कुरा कर स्वीकार किया, ठीक है चलो हम जाएंगे। क्यों? वही मायावादी को उद्धार करे, मायावादी को उद्धार करे ना, यही एक एक तो है बस। माँ बोला ठीक है जाओ हम जाएंगे। जाके मायावादी साहब बैठा हुआ है ऐसा लाल पुंडरी तिलहा करके, प्रेम तो नहीं है किसी का अंदर, आओ बैठा हुआ है। महाप्रभु गए, महाप्रभु जाके पैर धोए, जहां पैर धोने का जगह, पैर धोने का जगह पैर धो के उधर बैठ गया। और सन्यास लोग चौंक गया, क्या है उधर पैर धोआ वहां बैठ गया, और बैठ के क्या किया, जैसे करोड़ों सूरज उदय हुआ, जैसे लगता मानो कि एक साथ एक करोड़ सूरज उदय हुआ, एकदम तेज चारों ओर आंखों, लेकिन स्निग्ध लाइट रे, इतना ज्योति को प्रकाश किए मायावादी लोग तो पागल हो गए, कौन है? अरे बाप रे, उधर बैठ के ही ज्योति प्रकाश किया। और मायावाद का, मायावादी का सबसे बड़ा जो आचार्य जो है प्रकाशानंदो, वो दौड़ते आए, श्रीपाद यहां क्यों बैठे हुए, आओ। बोले हम कहां जाए, हम पतित है इसलिए इधर बैठे हुए, हम तो सबसे नीचा है, आप लोग बड़ा ऊंचा सन्यासी हो, ऊंचा हमारा सब हीन है, हम कहां बैठे, इधर ही बैठने का। ना ना ना, इधर आओ जल्दी, आपको देखने में साक्षात लगता है नारायण जैसा, आपका बोली जो है बड़ा मीठा है तो नारायणी ठाकुर जी स्वयं है, लेकिन इतना विनम्र भाव से जो है कि उसको जाके बैठा है सभा में। फिर बार से बार प्रवचन शुरू हुआ, एक प्रश्न है क्यों आप नित्य कीर्तन करते हो, हमारा संप्रदाय एक ही संप्रदाय तो है, वो सोचेगी हम मायावादी महापुर मायावादी एक ही समय आते क्यों नहीं। तो महापुर बोले हम तो नीचा है, हमारा कोई, हमारा गुरु जी बोला तुम्हारा किसी से किसी चीज में अधिकार नहीं, तुम सबसे बड़ा बेकार हो, है तुम कीर्तन करो और कुछ करने का था क्या, गुरु आज्ञा, गुरु का आज्ञा लेकर मैं संकीर्तन करता हूं और कुछ तो होगा नहीं मेरे से। गुरु कहे नहीं तुम्हार वेदांत अधिकार, गुरु जी बताए कि वेदांतों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम बेकार हो अकलमंदी, तुम बैठ के संकीर्तन करो। अब गुरु का आदेश लेके मैं संकीर्तन करो, नाचिका ही नहीं हम ही अपूर्ण इच्छा है, अपना इच्छा से संकीर्तन नहीं करता हूं, संकीर्तन गुरु जी का इच्छा से करता हूं, गुरु जी आदेश किया। और एक दफे हम गुरु जी को बताए किवा मंत दिला गोसाई किवा तार फल नाच है, गाई थे गाई थे मंत्र करिलो पागल गोसाई को, हमारे गुरु जी को बोला आपने क्या मंत्र हमको सिखाया, वो गाते गाते मेरा आंसू आ जाता, रोना आ जाता। हम गुरु जी को बोला ये जो सभा का अंदर बैठ के प्रभाव प्रकाश किया, इधर देखो हिरण्यकशिपु निशिंग भगवान का अंदर बड़ा ज्योति है, ज्योति का अंदर दिखाई नहीं पड़ता इतना तेज है, फिर भी वो क्या क्या चैलेंजिंग मूड है, तरवाल को खोल लिया, बोले जो भी है लड़ाई करे, मार मार मार, अब मारे तो देखे कहा, देखे तो तब मारे, इधर देखे तो उधर है, उधर देखे तो उधर है, इधर मारने जाए तो उधर दिख रहा है, उधर मारने जाए तो इधर है, बाप रे बाप सर्वत्र है। ऐसा करते गए तो पागल हो गया, दोनों में लड़ाई चला, जैसे आग में पतंगो छलांग लगाता है ना, अभी आएगा, अभी आया तो नहीं पर इस समय तो आना चाहिए, तो आपका इधर कीड़े मकोड़े आया नहीं, इस समय आता ना जितना सारे, हाँ ये जो है वो सब जानते हैं कि आग है, एक आग जला के रखो, पतंगों को पता है कि आग है, लेकिन ये रूप जो है उसको सहन, वो इतना लट्टूट है इस पर जो वो चाहिए हमको, आंख पर जाम करते और आंख में जल के मर जाते। ऐसे जितना सारा सारे समाज के आदमी हैं, सारे ये जो है समाज का आदमी और पतंग का मापिक, पतंग जैसे विषय भोग करने के लिए छलांग लगाता है, ये बदोजी भी कृष्ण भजन भरी भजन नहीं करना चाहते, हम पिएंगे खाएंगे मौज करेंगे और कुछ भी हो जाए,
मरना तो है ही है। हम बोले महाराज मरोगे सेठ जी? हाँ महाराज मरना तो है ही है, मरना तो है ही है। वो ऐसे ही बोल दिया, उसका तो अनुभव नहीं है, ऐसे बोला महाराज मरना तो है ही है, तो उसका पहले थोड़ा भोग कर ले। जैसे चार्वक का नीति जानते हो, जावत जीवेन सुखम जीवेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे मरना तो है ही है, अगर खूब खाओ पियो आनंद से जियो, और अगर पैसा नहीं तो उधार करके घी लाओ करके खाओ। घी या दूध का अगर अब्बास हमारा बन जाए तो बाद में क्या होगा, गोभी घी दूध तो मिलेगा नहीं। इसलिए भजन का जो आदत है उसी को एकदम सही ठीक रखना उचित है, स्वाभाविक। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता वैष्णवों को स्पर्श नहीं करता, कहते क्या करें। तो ये जो है हिरण्यकशिपु के साथ चैलेंजिंग, हिरण्यकशिपु जो है एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। अब मानो लगता है कि पतंग आग आँख का अंदर पतंग छलंग लगाया और दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ हिरण्यकशिपु है आ कहाँ नृसिंहदेव, आँख जैसे ज्योति है इतना। और करते करते नृसिंह भगवान ने क्या की, अंतिम में जैसे चूहा को, चूहा है ना बिल्ली, देखा बिल्ली, बिल्ली कभी कभी खेलता है, चूहा को ऐसा पकड़ा फिर छोड़ दिया, ओ दादा फिर इस पाया, अब फिर छोड़ दिया। चूहा का साथ बिल्ली खेलते हैं कभी कभी, ऐ पकड़ा और फिर छोड़ दिया, और दौड़ा फिर पकड़ा, ऐसा वहां पर नृसिंहदेव भगवान उसका साथ थोड़ा खेला किया करके अंतिम में ऐसा करके उठाया, ऐसा करके उठा के ये गोदी पे बैठा है, एक सोला दिया एकदम। कहाँ भले जहां ना घर ना बाहर, ये घर भी नहीं बाहर भी नहीं, बरंदा में बैठा खम्भा का ऊपर बैठ के एकदम हिरण्यकशिपु इधर ले लिया, लेके क्या किया, हा हंसते हंसते एकदम ऐसा करके उसको जो है हृदय एकदम फाड़ दिया एकदम। बोलो नृसिंह भगवान की जय। ये नृसिंह भगवान हर कोई के हृदय में प्रविष्ट होकर जितना सारे नृसिंह, जितना सारे हिरण्यकशिपु हम लोगों का हृदय में है, नृसिंह भगवान के पास ये प्रार्थना रहा कि ठाकुर जी सब कोई के हृदय में जो हिरण्यकशिपु है सबको खत्म करो, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। मेरा गुरुजी शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पूर्वंश गुरुदेव नृसिंह भगवान का विशेष गुरुत्व देते थे भजन में, और जिन लोगों का पता नहीं वो लोग निंदा करते थे, वो नृसिंहदेव का इतना क्यों करते हैं, हम लोग तो राधा गोविंद करते ही है। गुरु जी इसलिए करते थे दिखाने के लिए, समाज को प्रचार करने के लिए, तुम लोग बद्ध अवस्था में हो अभी, तुम राधा गोविंद का भजन कर नहीं पाओगे, जब भी अभ्यास करो नाम करने बैठो नींद आ जाएगा, कुछ भी चिंतन नहीं आएगा। और गुरु वैष्णव सतर्क रहता है क्योंकि हमारा देख के वो भी सीखे, उल्टा सावधान हो जाता है, बहुत मुश्किल। और इसीलिए गुरु वैष्णव ने ये सब मठ मंदिर में सेवा करो आरती दर्शन करें तो तुम्हारा होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, तुम सोचोगे यही भजन है महाराज कर रहे, वो समझेगा नहीं महाराज की स्थिति में ऐसा है। तो इसको बैठाया और गुरुजी बोलते थे जितना नृसिंह भगवान को शरण करना चाहिए, क्योंकि नृसिंह भगवान को शरण किए बिना आप मुसीबत का पार नहीं जा सकोगे। जब जितना नृसिंहदेव को शरण करोगे उतना ही आपका काम क्रोध लोभ मोह मधुमाश्चर्य जो जितना सारे अनुत्व है उतना ही, वैष्णव सेवा नृसिंहदेव शरण पंचतत्व कीर्तन चिल्ला चिल्ला के अनुत्व नहीं जाएगा। खाने का बात तो खा ले, हुए पूरी कचौड़ी जो बना है अन्नकूट में वो तो आएगा ही सामने, वो खाओगे क्या किया जाए, दो चार दस खा लिया और खाने के बाद ही नींद आ गया, क्या करोगे, खाओगे तो नींद आएगा, सब इंटर रिलेटेड है। ये तुम्हारा प्रसाद में अपराकृत बुद्धि नहीं है कि चैतन्य का चैतन्य महापुर जीता भक्तगण सब खा लिया कंठ करिया और कीर्तन शुरू किया और तुम खा के सो जाओगे। गुरु वैष्णव जो है प्रसाद तो प्रसाद है, प्रसाद का अपमान नहीं किया, उससे तुलसी बुला कर ले रहे प्रसाद हो गया और तुम खाना शुरू कर दे, वहा पोचूरी है पीठा है पाना है खाओ और नींद आ जाएगा, क्या करोगे है, ऐसा ही है। तो ये जो हिरण्य नृसिंह भगवान
निशिगो भगवान को विशेष शरण करना चाहिए। बद्ध अवस्था में ये बड़ा काम देता। हर वक्त प्रभुपाद जी हर कोई को बोलते थे जय निशिंगदेव, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय, ये बोलना हर वक्त। ये तीन शब्दों इसके द्वारा तुम्हारा सामने कोई अमंगल आने, क्योंकि तुम मंत्र बोल नहीं सकोगे, याद नहीं होगा, तो कम से कम जय गुरु जी, जय प्रभुपाद, जय निशिंगदेव इतना तो बोल सकोगे। आ सब मुसीबत, सब जितना भी मुसीबत आए, काम आए, क्रोध आए, अंतर में काम भी आ सकता है, ठाकुर जी रोखा करो, ये क्या हो रहा है, हिरण्यकशिपु है, काम भी आए, जैसा खाना जैसा अन्न ऐसा मन होगा, सावधान रहना। इसलिए जैसा है अभी नख के द्वारा अब हिरण्यकशिपु को एकदम फाड़ दिया। फाड़ने के बाद क्या किया, हृदय को फाड़ दिया, पेट को फाड़ दिया, उसके बाद जितना सारे उसका अंत्र अंत है ना अंदर में, 108 फुट ना 72 फुट ना कितना फुट भूल गया हम, इतना लंबा। और सिंह आदि बाघ जो है उन लोगों का कम होता है, अंत का जो हमारा नाड़ी है सबसे लंबा है मानुष का। इसलिए आमिष भोजन निषेध है, जो लोग आमिष खाता है उसका अंत लेंथ खूब कम होता है, खूब कम, सिंगो बाघ खूब कम, हाँ अंत अंदर में जो नाड़ी जो है कम होता है। तो किसी भी हालत से आमिष भोजन निषेध है, उचित नहीं, बिल्कुल निषेध। यहां तक कि किसी जगह तुम आमिष को रखा, उसका अंदर में फल रख दिया, पनीर रख दिया, वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं, कभी कोई किया रखा कोई पता नहीं, वो बिल्कुल चलता नहीं, भोजन नहीं करना, वो सावधान। ऐसा करके हर वक्त सावधान होना चाहिए, होनी चाहिए। इधर जो है जो दरवाजा को ऊपर बैठा के वहां क्या किया, दारी उरुम अपत्त ददार लीलाया नखैर यथा अहिम गुरुरो महाविषम। जैसे गुरुर भगवान एकदम दौड़ के एक सांप को ऐसा करके उठे खट उठा के ले जाए, गुरुर भगवान। हमारा मयूर भी खूब सांप मारता है, मयूर बाबा सांप देखो तो एकदम जाग एकदम। यहां बताया कि देखो बोले दरवाजा का उधर जैसे गुरूर सांप को पकड़ता है ऐसा करके ले लिया और बैठा के उसको फाड़ दिया। फाड़ने का बाद क्या किया, उसका अंदर में जो आंत है आंत को लेके माला बनाया, ऐसा ऐसा करके माला पहना विभत्स देखने में, और जो खून है उसका जो छिटका वो लग गया इधर चारों, देखने में एकदम विभत्स कैसा लग रहा, बाप रे बाप। भले नखांकुर उत्पाटित हृदयो, मरे नखांकुर उत्पाटित हित सरो रुहम विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधायनु। जब ये इसको फाड़ दिया, हिरण्यकशिपु का जितना सारे परिकर है सब दौड़ के आया, मारो मारो, हमारा मालिक को मार दिया, हमारा राजा को मारो, इसको खत्म कर दो, सारे अस्त्र शस्त्र लेके आ गया भाई। हिरण्यकशिपु का जितना सारे सारे असुर है सारे आ गया मारने के लिए, मारो मारो, हमारा मालिक को मार दिया हमारा राजा। और हिरण्यकशिपु क्या किया, ऐसा ऐसा करे जैसे ऐसा ऐसा कर नाखून से एक एक को सूढ़ा, जितना भी आए जैसे कीड़े मकोड़े मर रहा है, हजार हजार आ रहा है, ऐसा 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 करके कर दिया, सारे एकदम कीड़े मकोड़े मर रहा है, हो गया सब खत्म। इसका बाद जो है एकदम ऊं करते करते गर्जन करते करते अब हिरण्यकशिपु को मारने का बाद अब तो बैठा हुआ है, सारे खून है चारों ओर। अब इसका साथ इसका जो भयंकर रूप देख के सारे देवता लोग भी घबरा गया, बाप रे बाप, प्रभु का ये भयंकर रूप है। और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि ठाकुर जी का पास जाए, तो
थोड़ा स्तुति तो कर दिया दूर से, बाबा दूर से स्तुति किया। ब्रह्मा जी स्तुति की, रुद्र जी स्तुति किए, न तोस्मि अनंता यदुरंत शक्तये विचित्त बिर जायो पवित्र कर्मणे विश्व सर्ग स्थिति संयमना विश्वस्य सर्गो स्थिति संयमानो गुणई सलीलया संदधे अव्ययात्मने। ब्रह्मा जी स्तुति किया। इसके बाद शंकर भगवान स्तुति करे, कोपो कालो जुगांतस्ते हतो अयम असुर अल्पकः त्वं सूतम पाही उपस्मृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। हे प्रभु, ये प्रलय का काल नहीं हुआ, लेकिन आपको रूप देखते लगता है प्रलय का काल। आपका जो भक्त है छोटा बच्चा, ये बच्चा को आप भक्तवत्सल हो, उसको बचाओ, उसको कृपा करो। ऐसा करके ब्रह्मा जी, इंद्र, ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र सारे एकदम स्तुति करना, ऋषि मुनि सारे स्तुति करना शुरू कर, बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति है। स्तुति करने का बाद जो है, सब स्तुति करने का बाद अभी नारद जी कह रहे हैं, नारद जी घटना को नारद जी कह रहे हैं ना, नारद जी किसको, युधिष्ठिर महाराज को। सब प्रसंग एक एक है, लिंक खो गया तो उल्टा हो जाए, कहाँ से नारद जी आ गए। पूरे सप्तम स्कंध का स्टार्टिंग जो है नारद जी बोल रहे हैं। अभी जो है सारे देवता लोग सारा भयभीत हो गया, सब मिलके विचार किया ऐसा करे प्रह्लाद को भेजे, क्योंकि ये ठाकुर जी का जो आविर्भाव हुआ, ठाकुर जी का आविर्भाव किस लिए हुआ, ये प्रह्लाद को बचाने के लिए, प्रह्लाद के लिए तो हुआ, तो शायद प्रह्लाद के ऊपर प्रभु जी का प्रीति है, प्रेम है, बड़ा स्नेह है। ऐसा करते सब मिलकर प्रह्लाद को भेज दे, प्रह्लाद को प्रह्लाद बेटा तुम जाओ, तुम प्रभु का पास जाओ। बड़ा गुस्सा हुआ, हम लोग जा नहीं सकता, तुम जाओ। प्रह्लादम प्रसयमासो ब्रह्म्या ब्रह्म्यावस्थितम अंतिके तातो प्रसोमयो प्रसोमयो पेही स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। तुम्हारा पिताजी के ऊपर कुपित हो गया था, क्रोध आ गया था, बेटा जाके तुम ठाकुर जी प्रभु को शांत कर दो, जाओ तुम जाओ। सारे डर रहा है, कोई नहीं आगे जाएगा, प्रह्लाद बच्चा है 5 साल का, पुल के पर बेटा तुम जाओ, तुम्हारा पिता के लिए इतना गुस्सा हो गया ठाकुर, तुम जाओ। प्रह्लाद देखो डर ही नहीं है, प्रह्लाद बोले ठीक है चलो। नृसिंह भगवान बस आए हाथ जोड़ करके, अब इतना छोटा बच्चा, उसको नृसिंह तो को रहा नहीं गया, इतना छोटा मासूम बच्चा उसको उठा गोदी में ले लिया आदर करके। हैं सपाद मूल पथितम तमर भकम बिलक कदेवहा कृपया परिप्लुता। इतना नादान बच्चा है ये हमारा सामने आ गया, और देखते ही नृसिंहदेव एकदम स्नेहों में विगलित हो गया। क्रोध तो दूर की बात है, कहाँ क्रोध है, इतना छोटा बच्चा देखो आया। सपाद मूल्य पतितम तमर भकम बिलक कृपया परिप्लुतो, इतना कृपा आया, इतना स्नेह आया कि रहा नहीं गया। संग संग उठा के उत्थप सृष्णिर अदधात कराम बुझम काला ही वित्रस्त धियम कृताभयम। संग संग गोदी में उठा लिया, उठा के प्यार के मारे हाथ को उसका सर पे रख दिया ऐसा करके, निर्भय करने के लिए। अरे बाप रे बाप रे बाप, इसका बारे में हमारा चैतन्य महापुरुष जो नृसिंह स्तोत्र, वो स्तोत्र में है बहुत सुंदर। उग्रोपि अनुग्रह व्यम, देखने में उग्र है लेकिन भक्तों का सामने अनुग्रह उग्र नहीं है। जैसे सिंह का शेर का जो है, शेर का बच्चा, बाघ जो टाइगर है उसका भी बच्चा, बच्चा को प्यार करती है ना माता जी, कितना ऐसा है चाटे, कितना प्यार है। और दूसरे आए तो हलूम कर खा जाएगा, ये क्या बात है, अपना बच्चा पे कोई क्रोध नहीं है, कितना प्रीति है। ठाकुर जी का ऐसा ही सृष्टि निर्माण है जिसमें हर प्राणी उसका बच्चा को प्यार करता, हमारा लड़का है, हमारा बच्चा है, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा तो ठाकुर जी है, है?
तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में, एक वो है ठाकुर जी, और छोड़ के दुनिया में कोई दिखाओ, प्रमाण करो, बोका कहीं का बैठा है बोले ऐसा है। और जब भी ठाकुर जी अपना अपना हस्त कमल को नृसिंह भगवान का यही प्रहलाद महाराज का सर पे रख दिया तो क्या हुआ, ऐसे तो प्रेम प्रीति के द्वारा ठाकुर गदगद हो गया एकदम। प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है, ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा, याद नहीं हम बद हम व्याख्या किया था, ठाकुर जी जो आए दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं है, मदभक्त ददर्श हो, हम मधुबन में जाएंगे, हमारा छोटा छोटा हमारा छोटा जो भक्त है उसको देखने के लिए जाएंगे, दर्शन देने के लिए, देखने के लिए कैसा है इतना छोटा बच्चा है, 6 महीना का अंदर हमको खींच के लाए, जुग जुग भजन करो है, मिलता नहीं ठाकुर जी। सोवर ऋषि 60,000 साल तपस्या किया, प्रोचेतकम 10,000 साल, अब वो 6 महीना के अंदर ठाकुर जी को खींच के लाया, अरे कैसा भक्त है, हम देखने के लिए जाएंगे, कैसा भक्त है हमारा। ठाकुर जी आए हुए, आने का बात क्या की, अपना जो संख है, पंचजनी जो संख है वो ज्ञान का प्रतीक, वो अपना कृपया कपोले मैंने स्पर्श किया, ऐसा गल करने के साथ एकदम शुद्ध सरस्वती जवान पे उदय हो गया, एकदम झड़का मापी स्तुति करना सो। यहां भी प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भी ऐसा हुआ, अब नृसिंह भगवान साक्षात मस्तक में हाथ धर दिए, तो उसका बाद उसका ज्ञान का कोई कमी रह जाए हैं, ऐसा तो ज्ञानी है ही है, भजन करते करते पूरा ज्ञानी, 5 साल का लड़का है अभी स्तुति करना शुरू कर दिया, बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति है, हम संक्षेप में बताएंगे। प्रहलाद महाराज वाचो स्तुति 2-4-5 हम व्याख्या करेंगे, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा है। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसेद्या सत्यैकतानगत यो वचसाम प्रभावी नाराधितुम पुरुगुणैरधुना पिपिप्रु किं तोष्टुमर्हति सौम्य हरि रुग्र जाते मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ यः सुतोति मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ यः तेय प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस पुंसो भक्ता तुतोस भगवान गज जूथ पाय विप्राद्य सर गुण युतद अरविंद नाव पदारविंद विमुखाद सपचं वरिष्ठम मन्ने तदर्पितो मनोवचने हितार्थो प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः पवुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषो करुणो वृणीते जद जद जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखोस्य यथामुखोऽसि नाहं विभेमिते अतिभयानकस्य जिह्वार्क नेत्र भुकुटिरवसग्र दंष्टात् अंतःस्रजः खतज केसरो शङ्कुकर्णाद् निरहाद् भीत दिग्भादरी भिन्न नखाग्रात् त्रस्तोऽस्मि अहं किपनवत्सलो दुस्सहग्रो संसार चक्र कदनाद् ग्रसतं प्रणीतः। ऐसा करके बहु एकदम स्टॉप करना था, पागल का माफी। इसमें हम जिस्ट बताते, इसमें सार जे ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो अत सिद्धा सत्यगतानगत यो वचसाम प्रवाह हुई नाराधितुम पुरुगुणैरधुना पिप्रु किं तोष्टुमर्हति सौम्य हरि रुग्र जाते। जिसको ब्रह्मा शंकर जितना देव ऋषि मुनि जिसको संतुष्ट नहीं कर पाता वो क्या हमारा द्वारा संतुष्ट होगा? ठाकुर जी तुम हमारा द्वारा संतुष्ट होगे? कैसे होगे? मैं तो असुर कुल में आविर्भाव हुआ, हरि उग्र जाते, उग्र जाते माने उग्र कुल, उग्र जाते मतलब उग्र कुल, असुर कुल में मेरा पैदा हुआ, क्या हमारा द्वारा तुम्हारा आराधना हो सके? कैसे हुए? ऐसा करके प्रहलाद महास्तुति के
उसके बाद ये श्लोक का तो व्याख्या पहले भी किया, विप्रा दिश रघुगुण युता अरविंद नाभ। एक विप्रो ब्राह्मण 12 गुण से युक्त है, 12 गुण, फिर भी कुछ नहीं होने वाला जब तक हरि भक्ति उसका अंदर में नहीं है, कुछ नहीं होगा। सपचम वरिष्ठ, सपचो जो है वो भी वरिष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाए। सवनाय कल्पते बोला, इसका भी व्याख्या किया था, कोई व्याख्या नहीं कर, नहीं व्याख्या करे तो समाज में उल्टा हो जाएगा। जब भी कोई बोलो तो इसको व्याख्या नहीं करे तो उल्टा हो जाएगा समाज, और जोगो करने बैठ जाएगा, बोला वो लिखा है उधर यार, नहीं वा आत्मन प्रभुर एम निष्लाभ पूर्ण। अच्छा ठाकुर जी को जो आप अर्चन करोगे, पूजा करोगे, भोग लगाओगे, ठाकुर जी का कोई जरूरी है? मेरे दिमाग से सोचो संता, ठाकुर जी निजोलाभ सुन, जो गुरु वैष्णव भगवान है वो निजोलाभ तुष्ट, अपना लाभ के द्वारा है, स्वयं उसका अंदर अंदर में जो आनंद है उसके द्वारा ही परिपूर्ण है। उसको बाहरी कोई वस्तु दे के संतुष्ट करोगे व करोगी संभव नहीं है। नैवात्मन प्रभुरयम निजोलाभ पूर्ण, प्रभु तो निजोलाभ पूर्ण है, प्रभु का ना खाना का दरकार ना पीने का दरकार। तुमने इच्छा करके मंदिर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कराया, करके भोगरा कर रहे हो, अब बाद मन में गुस्सा भी आ जाए तो अच्छा नहीं लग रहा, 3 बजे उठो फिर ठाकुर जी को आरती करो, ऐसा कौन करता है? गुरु जी बोलते थे पहले ही तो मुसीबत है, भजन क्या करे, सुबह में उठेगा ही नहीं, वो घर भाग जाए, सुबह में उठना ही संभव नहीं तो कैसे भजन करे। जब सुबह उठने का टाइम है वो सोने का बड़ा मजा आ रहा है उस समय तो सोए रहो, तुम सोए रहो, तुम्हारा तकदीर भी सोए रहे, जो सोते रहते हैं उसका तकदीर भी सोते रहते, उठता नहीं कभी। सो आ सूरज उदय का बाद जो जगेगा कभी भी उसका बुद्धि नहीं होगा, जड़ जगत का एडुकेशन हो सकता है, परमात्मा को नहीं होगा। सूर्योदय का बाद जो जागता है उसका ज्ञान प्रकाश कभी नहीं होगा, खय हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जागना है तो सूर्य उदय का पहले, ना जागे तो उसका परमार्थिक कभी भी होगा नहीं, संभव नहीं, सुरा मुखस्त कर सकता। बस इधर बोला अंग्रेजी में कहता है, अंग्रेजी में एक बात है, आर यू टू बेड एंड आर यू टू राइज मेक ए मैन वाइज। अंग्रेज लोग जो है वो मलेच्छो वो भी जानते हैं। देखो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो तो ज्ञानी बनोगे, बस हो जाएगा। सुबह में उठ के कवा कमा भी खाओ खाओ कर रहे हो, ज्ञानी बनोगे? होगा नहीं। सुबह उठ के चुपचाप रहो, ठाकुर जी का चिंतन करो, कीर्तन करो, हैं, तब ना होगा। बोलो महाराज बोला जल्दी उठो जल्दी सो तो ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञानी तो हम बना नहीं, कैसे बनोगे? सुबह में उठ के कवा कमा भी चिल्लाना, भले इधर रहे नई बात मन प्रभुर हम निजोलाभ पूर्ण, हम तो निजो लाभ निजो अपना लाभ से द्वारा ठाकुर जी पूर्ण है। ठाकुर जी को बाहर का कोई वस्तु देने का कोई जरूरी है नहीं, फिर भी ठाकुर जी व्यवस्था रखा है, इसका नाम विग्रह, विग्रह विशेष विशेष कृपा करने के लिए रूप पकड़ा। और तुम 12 बजे भोग लगाओ कि 1 बजे भोग लगाओ, कुछ नहीं बोले, जब भी तेरा इच्छा भोग लगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन गुरु जी बोला देखो एकदम ये विधि मार्ग है, विधि मार्ग एकदम पक्का विचार करके आरती 4 बजे 4 बजे करना चाहिए, विधि मार्ग है। अब कभी 4 बजे कभी 4:30 5 बजे ऐसा नहीं चलेगा, भोग कभी 12 बजे कभी 1 बजे चलेगा नहीं, विधि मार्ग है। विधि मार्ग में नियम प्रबल है, जब अनुराग मार्ग में जाओगे तब तो ऐसा प्रीति है, ब्रज में ऐसा ऐसा घटना है तो सोच के पागल हो जाओगे। ये सब आश्चर्य है, भगवान प्रीति पृथ्वी के द्वारा। गौर नित्य का पिसीमा जानते हो? गौर नित्य पिसीमा देखे नहीं? देखे वृंदावन में है, और पिसीमा गौर नित्य का पिसीमा, और गौर नित्य विग्रह है, और बारिश हो रहा है, पिसीमा विग्रह है, बारिश में कहाँ जा रहा है वो सुना नहीं, दोनों चला गया, गौर नित्य बाहर चला गया, विग्रह है बाहर चले गए घूमने। अब भीज के आए, सर्दी लग गया बड़ा, हम बोला था ना बाहर मत जा, बारिश में गया, देख सर्दी लग गया, और जाके क्या की काफर लिया, देख ने सर्दी निताई को उड़ दे दिया और सर्दी आ गया था। वो विग्रह अभी भी है, एक थप्पड़ मार बाहर क्यों गया सर्दी में,
देख ठंडा लग गया, बोला था ना जा कर ले, कर दिया। ये है रागमार, अनुरागमार, प्रीति प्रबल, ठाकुर जी नहीं तो मैं मर जाऊं, ऐसा अनुभव किसका है बोलो, पकड़ के बोलो सालराम, किसी का नहीं है। संत महात्माओं का साथ किया, ठाकुर जी का ऐसा प्रीति है, किसका हुआ बोलो, सब नाटक है बोलो, स्पर्श करके बोलो, बोल नहीं सकेगा, हिम्मत नहीं है। अगर गुरु वैष्णव से ऐसा प्रीति है तो जरूर इसी जन्म में ठाकुर जी का पास जाएगा, प्रीति नहीं है, वास्तव प्रीति नहीं है तो कैसे जाएगा। नैवात्मन पभुरयन निज लाभ पूर्ण मानम जनात अविदुषो करुणो वृणीते जत जत जनो भगवते विदधी तो मानम तत्मने प्रतिमुखस्य यथामुखस्य। ठाकुर जी को सन्नम दंडवत किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, आरती उतरा, सब किस लिए, क्या कारण है, ठाकुर जी का तो कोई जरूरी है नहीं। भले इधर लिखा हुआ है तच्चा आत्मने प्रथम को सजथा मुखश्री, जैसे दर्पण का सामने खड़ा हो जाओ है, आपका अंदर में गुस्सा आया, दोनों में लड़ाई किया, गुस्सा आया, और आईना का सामने देख लो अपना मुख कैसा विकृत हो गया, हिंसा आया, बल हमको ऐसा किया, हम भी मारे थोड़ा उसका अपना चेहरे, जब भी हिंसा आए ना, क्रोध आए, तब आईना को लेके अपना मुख को देखना, क्रोध एकदम जैसा दिखाओगे वैसा देखोगे, अपना ही तो मूर्ति है, अपना ही तो मूर्ति है, जैसा दिखोगे दिखाओगे वैसा दिखोगे। तो ठाकुर जी अंतर में है, इधर लिखा हुआ है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जैसे दर्पण में अपना मुख को देखते हैं, कैसे भी कोई साजा है, कोई कुछ किया है, उसके बाद आईना का सामने जैसा मुख देखे ऐसा ही दिखेगा, ऐसे ठाकुर जी का आरती करो, भोग लगा कुछ भी करो, सब अपना ही मंगल के लिए कर रहे हो, जैसा करोगे उतना ही, जैसा आपका हृदय साफा हो उतना ही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं है। हम बाद में बोले ठाकुर जी आपका जो भयंकर मूर्ति है नृसिंह मूर्ति, ठाकुर जी ये मूर्ति को हम नहीं डरते, जभी तो 5 साल का लड़का, हम 5 साल का बच्चा है तो आपका सामने आ गया, ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम जाओ, अब तू था गया, क्योंकि आपका यो निशिंग मूर्ति भयंकर, ये हमारा डर का कोई बात नहीं, हम तो डरते नहीं। बोले कहे, बोले ये तो हम डरते नहीं, आपका जो भयंकर जो ना हम विभेमी अजीत ते अति भयानक जीवहार को नेत्र भुकुटी रहोसो ग्रोधम श्रात, ऐसा दांत है, ऐसा मुख है, ऐसा कर रहे, हम डरते नहीं, हम डरते नहीं। वो तो कि तुम डरते नहीं हो, बोले ना ठाकुर जी हम डरते, लेकिन हम किसको डरते जानते हो ठाकुर जी, हम तुम्हारा प्रभु आपका जो ये नृसिंह मूर्ति इसको हम डरते नहीं, तो हम डरते हैं किस किस चीज को, बल त्रस्त अस्मि अहम किपन वत्सलो दुस्सहग्रो संसार चक्र कदनाद ग्रसतम प्रणीतः। ये जो संसार है इसमें जो भयंकर, कोई मर गया, कोई रो रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, ये सब जो भयंकर संसार है ठाकुर जी, ये संसार को मैं डरता हूं, आपका ये रूप हमारा सामने बिल्कुल डरने का कोई, ये संसार जो है कैसे ये सब लोग संसार कर रहे हैं, हाय हाय, जो उपनिषद में बोला हुआ है तुम संसार कर रहे हो, मौज ले रहे हो, मजा कर रहे हो, उपनिषद में क्या लिखा है, खुरस्स धारा निशीत या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, ये जो खूर है, खूर जानते हो चूल काटते खूर, उपनिषद बोले ये सब पागल, सब पागल है, सब खूर का ऊपर से चल रहा है, खूर का ऊपर चला जाए हैं, खूरों का ऊपर चल रहा है, क्योंकि भोले बाबा का ऐसा महिमा है, चौरक पूजा का दिन वो बोठी का ऊपर छलंग लगाते कुछ नहीं होता बाबा, उस दिन ऐसा बोठी है उसको भी छलंग लगा कुछ नहीं होता, चरक चरक पूजा है गांव में होता है हाँ, ऐसा आसाम में भी है, बंगला में भी है, बाप रे बाप, उसका ऊपर पूरा ऊपर से एकदम घिरा कुछ नहीं हुआ, काटा पटा कुछ नहीं, उस दिन का महिमा है चरक पूजा। इधर जो है हिरण, ये जो है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये लोग, ये सब लोग जो पागल है कैसे संसार कर रहे हैं, हैं? संसार मतलब छुरी का ऊपर से चलना, खुरुष धारा निश्चित है या
खूर का ऊपर से चलो चला जाए क्या? खूर का ऊपर चलने, खूर है खूर, खूर का ऊपर चला जाए क्या? हाथ धर दो बस कट कट के एकदम खून निकले। उपनिषद बोले संसारी आदमी सब भूखा है, ऐसा देखो कैसे चल रहा है, कभी कुछ हो जाए अमंगल मंगल सब ऐसा है। प्रहलाद महाराज ऐसा स्तुति किया, उसके बाद हम जो स्तुति दे के शुरू किया था वो स्तुति का थोड़ा व्याख्या कर दे, उसके बाद छलांग लगाएंगे हम, कुछ सब उपाय भी नहीं है। यस्माद प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मो शोकाग्निना सकल जनिसूदजमान दुखो सदम तदपि दुःखम तद ही अहम भ्रमो न भ्रमामि बदमे तब दास योगम। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल जनिसूदजमान। बोलो किस जोनी में जाना चाहते हो आदमी? ये जो मनुष्य जन्म हुआ, मनुष्य जन्म सिर्फ ये जन्म नहीं है, किसी भी जन्म जाओ उसमें सारे एक दूसरे को प्यार करता है, तो बस कभी महाकाल काल आया तो उसको लेके गया। दो सांप है, दो सांप इतना लंबा लंबा जोड़ी जोड़ी जानते हो, जोड़ी एकदम एक साथ खाए पिए सुए एकदम सांप। शिला भक्ति वाला चित्तौड़ गोस्वामी में का जन्म स्थान है, वहाँ वो शिव जी महाराज है, उसका मंदिर में रोज प्राय आते हैं। और तुम्हारा एक एक बदमाश ने क्या की, ऊपर से लंबा एक बांस देके एक सांप को मार दिया। गुरुजी बोला था तुम्हारा, बोला सांप को मात मारो, मारो मात, वो जैसे रहे वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन माना नहीं। एक असुर है बस मर दिया, ऊपर छत का ऊपर से एक बम्बू ले एकदम मारा, मर गया। तो हर जोनी में ऐसा है, मेरा कहने का मतलब हर जोनी में जितना भी, जैसे दो कौतर, कौतर का कहानी हम बताए नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी नृसिंह भगवान का प्रसंग आ गया। नृसिंह भगवान का प्रसंग आने का पहले कौतर का प्रसंग है, तो फिर उसी नरदेश राजा का प्रसंग है, बहुत सारे चीजें। उसी नरदेश के राजा लड़ाई करते हुए युद्ध के तुम्हें मर के पड़ा हुआ है ऐसा, और जितना सारे पत्नियां हैं रोते रोते आए सब, और रोना धोना एकदम पागल का माफी, ऐसा रोना फूट फूट के। अब जमराज जी महाराज क्या की, जमराज जी महाराज बच्चा का बेस बनाया, एक तो छोटा 5 साल का, आके आके बोला ये सब मैया लोग क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? बोले देखो हमारा सामिन मर गया इसलिए रो रहा है। बोल सब अपना दुख की कहानी बता रही। बोले देखो ये सब इतना बड़े बूढ़े हैं, हम बच्चा, हमारा ना तो पिता माता कोई नहीं है, हम तो रोते नहीं, ये लोग कैसे रोते? बोले हमारा स्वामी मर गया। मर गया, मर गया तो स्वामी पड़ा हुआ है। मैंने ना आत्मा निकल गया इससे, आत्मा निकल गया तो जो आत्मा निकल गया, आत्मा वो जो आत्मा वही स्वामी है, तो आत्मा का साथ आपका देखा हुआ था पहले बच्चा? बोला जमराज जी महाराज। बोले भैया स्वामी का रे, स्वामी तो पड़ा हुआ है ना, वो आत्मा निकल गया, मर गया। मर गया तो जो आत्मा, वो आप जो रो रही हो तो आत्मा के लिए रो रही, हाँ वो आत्मा जो पहले तो देखा नहीं था, जब स्वामी जी, स्वामी जब जीवित थे तब तो देखा नहीं, अब भी देख नहीं रहे हो, तो जो चीज देखा ही नहीं और उसका लिए रो रही। बोल के क्या की, ऐसा तत्व ज्ञान को उपदेश की, तो मैं यहाँ लोग सारा रोना धोना बंद करके, बोले स्वामी चाहिए तो ये स्वामी पड़ा हुआ ले जाओ घर में। बोले ये नहीं आत्मा निकालो, आत्मा को देखा नहीं कभी, देखो हम बच्चा है 5 साल का, हमारा कोई रोना धोना नहीं है, जब कुछ मिले खाए ले और रहता हो, हम तो रहते नहीं, तुम लोग रोते हो, रोती हो। ऐसे करके तत्व ज्ञान को उपदेश दिए। दो कौतर का कहानी है, दो कौतर दोनों मिलकर अंडा, अंडा भी आए, अंडा प्रसव किए, अंडा से बच्चा निकल आए। और एक जो है क्या, पकड़ने वाले जो पंछी, जो शिकारी, शिकारी आए, शिकारी आके सोचे सब पकड़ के ले जाने के लिए सब जाल बिछाया, जाल बिछाया तो बच्चा तो उधर है चीची कर रहे हैं,
और वहाँ क्या की, और जो ये जो है पत्नी, और खाना बहुत सुंदर चढ़ा दिया और लेने के लिए गया और बच्चा को खिलाए वो अच्छा लेने के लिए, बस बस जाल का अंदर अटक गया। उसके बाद कौतर जो है, कौतरी है, कौतरी कौतरी को देखे जाल में, हाय राम हम कैसे जिए हैं, हम कैसे जिए, हमारा जीना बिल्कुल संभव नहीं, हम कैसे जिए, हम मर जाए ठाकुर जी, हम मर जाए, हम क्या 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 करें, बोल के कौतरी का पीछे जाके रोते 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 कौतरी का पीछे जाके वो भी जाल में फंस गया। जब जाल में वो फंस गया तो अंडा तो बच्चा जो है वो तो उसका तो पंछी पंखा नहीं है, वो जाके उसको भी उठा लिया, वो चला गया बस। हाँ कौतर का विलाप, हम ये छोड़ के कैसे बच्चा को पालन करे, कोई नहीं है हमारा, हाय हाय ठाकुर जी गया करके कौतरी का पीछे सब दे दिया अपना जान भी। ऐसा ही है पूरा दुनिया। और जो श्लोक का आज सुबह में बताया था वो श्लोक, और एक बात याद करके रखना, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि, और हो सके तो कल सुबह में बताएंगे, तो नैतत मनो में स्तब कथा सुवैकुंठनाथ विकुंठनाथ, वैकुंठनाथ तो होता है, संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम सोहर्ष शोक भय शनार्थम तस्मिन कथम तब गतिम विमि स्वामी दीनः। कैसे बताया, नहीं तो मनोस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयशनार्थम तस्मिन कथम तब गतिम विमि स्वामी दीनः। हे ठाकुर जी आपका चरण में कैसे जाए, जाना संभव है क्या, क्योंकि आपका पास जाने का तो रास्ता एक ही है, ठाकुर जी का कथा कीर्तन में लगे रहो, नहीं तो जाएगा नहीं, कोई भी जाएगा नहीं ठाकुर जी का पद। इससे बताया प्रहलाद महाराज सुंदर सिद्धांत, नैतात मनो में स्तव कथा सुवैकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयै सनातम तस्मिन कथम तब गतिम विमि स्वामी दीना, तस्मिन कथम तब गतिम विमि स्वामी दीना। हे ठाकुर जी आपका चरण में कैसे जाए, हैं संभव है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह से मैं डूबा हुआ हूं, और सबसे बड़ा चीज है, हे वैकुंठनाथ हे विकुंठनाथ तुम्हारा कथा कीर्तन में मेरा मन नहीं है, नैतत न एतत मनो, नैतत मनो तब कथासु वैकुंठनाथ, न एतत मनो मे तब कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते, क्योंकि दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम, हमारा ही जो मन है कहीं भी किसी भी हालत से संकीर्तन में हरि कीर्तन में कथा में नहीं बैठता, मैं क्या करूं, किसी भी हालत से तो आपका कथा कीर्तन में बिल्कुल मन बैठता ही नहीं, चंचल मन। चैतन्य महाप्रभु बोला एक पल भर के लिए ठाकुर जी का कीर्तन को बंद मत करो, एक पल भर जवान कीर्तन चलते रहे, क्योंकि रास्ते में मार्केटिंग करने गया उधर मौत हो, हम जानता है मार्केट में गया और दुकान खोलने के लिए, नौकर पहले गया और नौकर पहले गया, जाते जाते बस बागड़ी बागड़ी मार्केट पहुंचते पहुंचते मौत हो गई, नवीन आर मोदी मेरा जाना हो, कितना आदमी मर गया करोड़ों पोति, हम जब सुना वो मर गया पर कैसे मरा, वो जो मार्केट में जाते जाते बस बागड़ी तक पहुंचने थोड़ा बहुत बाकी है, बस वो हार्ट फेल हो गया बस मर गया, सारे और खबर चल नवीन बाबू मर गया बस, और एक आदमी मरा लाल बाजार के सामने करोड़पति बिजनेसमैन है वो मर गया, सीरीज भाई गुजराती,
हमारे पास खबर आया नवीन भाई मर गए, ये मर गया, मर गया कैसे? बोले जॉन्डिस हुआ था। जॉन्डिस हुआ था, ये करोड़पति है, करोड़पति है, जॉन्डिस तो कौन सी बात है, बच्चा का रोग है, जॉन्डिस तो हम लोग खेल खेल में चला जाता है। बोले उसको पता ही नहीं चला जो जॉन्डिस हुआ, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया। अरे बाप रे बाप, करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक है, जॉन्डिस पे चला गया, जाना ही है, वो भी 48 साल का उम्र, 48 चला गया। जब जिसको जाना है एक बहाना लेके जाना ही है, जब भी किसी को जाना है एक बहाना लेके तो जाएगा, वो जाएगा ही, बस गया। इसे बोला देखो ठाकुर जी, तुम्हारा कथा कीर्तन में हम लोग, हमारा मन बिल्कुल बैठता नहीं, क्योंकि दुरी तो दुष्ट में साधु तृप्त, मेरा मन दुष्ट है, बुद्धि दुष्ट है, तो मैं क्या करूं, दूरी तो दुष्ट असाधु तिब्रम, मैं असाधु हूं। आपका कथा कीर्तन में बिल्कुल मन नहीं, साधु का उपलक्षण क्या है? पहले साधु का लक्षण है हरि कीर्तन हरि कथा में बड़ा आनंद, वो साधु जरूर सोच लेना, और कोई गुण उसका अंदर में है कि नहीं है बिल्कुल नहीं देखना, बाकी गुण आ जाएगा। अगर किसी का अंदर में हरि कथा कीर्तन के लिए बड़ा भारी एकदम आनंद है तो जरूर 100% सोच के रखना वो साधु है, चाहे मैया हो और पापा हो, जो कुछ भी हो, जिसका हरि कथा कीर्तन में मन है वो साधु, ये लक्षण है, इसमें लक्षण नहीं है। तो ये जो है तुम्हारा कथा कीर्तन में मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, कामातुरम, हर वक्त काम क्रोध लोभ मोह सब अंदर में पड़ा हुआ है, हर्ष शोक, कभी हंसना शुरू कर दिया पोता पोती का साथ, कभी रोना शुरू कर दिया, हर्ष शोक भयोई शनार्थम, हर वक्त हंसना रोना, और कभी भय आ गया क्या होगा ऐसा, तस्मिन कथम तब गोतिम बिमिसामि दीमा, हे ठाकुर जी तो आपका चरण कैसे ढूंढे, आपका चरण में कैसे जाए, क्योंकि आपका चरण में जाने का तो एक ही रास्ता है। इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे, विषय उसके इस श्लोक को थोड़ा और व्याख्या करेंगे, भोपाल जी का कहना, भक्ति में ठाकुर कहना। अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देखो ठाकुर जी, हमारा जीव जवान जो जीवा है, जवान एक तरफ खींच रहा है अच्छा खाना का तोर, और मेरा कान जो है इधर खींच रहा है, आंखें उधर देखने के लिए खींच रहा है, इधर देख आ, ऐसा ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ हूं। जीव ही कतो उच्युत विकर्षति मा वितृप्ता श्रिष्णो अन्नत हस्तक उदरम सबरम कुतश्चित घ्राणो अन्नत चपलद्री कच कर्म शक्ति बहवो सपत्न एव गृहपतिम लुनन्ति। क्या बोला, हे ठाकुर जी मारा जीवा एक तरफ खींच रहा है, मेरा कान इस तरफ खींच रहा है, मेरा नाक इस तरफ खींच रहा है, आंखें इस तरफ, हम कहां जाए, हम तो मर जाए। ठाकुर जी जीव वही कदोच्युत विकर सती मा वितृप्ता श्रिष्णो अन्नत हस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राण अन्नत चपल दृक च कर्म शक्ति बहवो सपत्न, क्या लिखा, बहवो सपत्न एव गृहपतिम लुनन्ति। जैसे एक गृहपति गृहस्वामी, उसका अगर 8-10 बीवी है क्या करे, तो फिर 8-10 बीवी तो एक इधर खींचे एक उधर खींचे एक इधर खींचे उधर, क्या जाए कहां जाए बेचारा, लिखा हुआ है बहवो सपत्न एव गृहपतिम लुनन्ति लुनन्ति, जैसे लूट मार करे इसको टाने खींचे। एक गृहपति स्वामी का क्या अवस्था हो बोलो, ऐसा ही जीव वही कतो उच्युत विकर सती मां पे, हा हा हमारा जवान अभी तृप्त नहीं हुआ, उधर अच्छा खाना देगा तो मने हुआ अच्छा बना पूरी कचोरी वो खाए, ऐसा विकर सती मां भी तृप्त। और कृष्ण जो है इस बात पर ध्यान देना, विशेष विचार करना, ए योर अटेंशन प्लीज, जब भी देखोगे ये जवान है इसको लॉक करोगे चाबी दे दोगे सारे कंट्रोल हो जाएगा, सारे देखो लाइन पे है, सारे देखो लाइन पे है, ये दो आंखें बुद्धि नाक
मुख जीवा नीचे नीचे पेट, उसके बाद कृष्ण जिसके द्वारा आदमी एंजॉय करता है। ऑल इन नाइल, ऑल इन लाइन। इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग, एवरीथिंग कंट्रोल। जवान को कंट्रोल करोगे, यहां चाबी दे दो, देखो सब कंट्रोल। साधु का यही है, यहां कंट्रोल, यहां चाबी लगा दो, बस देखो सब कंट्रोल हो जाएगा। यहां चाबी लगाना संभव नहीं है, हमको थोड़ा दे दो, हमको थोड़ा दे दो, खाओ खूब खाओ चकाचक, बस उसके बाद। ऐसा ही है प्रहलाद महाराज जी सुंदर बताए कि कुछ नहीं होगा। आज संसारी आदमी जो आनंद ले रहा है, इसका बारे में काल परसों काल बताया था ना, जन्मितुनादि गृहमेदि सुखमेतुच्छम कुंडयन कुंडयनेन करयरीव दुःख दुःखम त्रिपंति नेह किपनादहु बहु दुःख भाय कंडुति बद मनसीजम विषहेत धीरः। ये जो सांसारिक सुख, ये प्रहलाद महाराज बोले जैसे खुजली होता है ना, खुजली, खुजली होने का बाद डॉक्टर बोलते बिल्कुल हाथ मत लगाओ, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बोला मेडिसिन लगाया, दवा कराया, पट्टी कराई, पट्टी कराई, बस हो गया। सोते सोते इतना चुलकानी आया, ऐसा ऐसा कर दिया। सुबह में देखा बारी बार सब भी पहले का माफी। फिर डॉक्टर ने बोला हम क्या करें, तुम तो कर दिया। ऐसा संसारी लोगों का जो सुख है ये ऐसा है, वो जानता है ये खतरनाक है, फिर भी रहा नहीं जाए, यही सुख को भोगो, क्या करे बेचारा संसारी लोग, क्या करे। इसके बाद प्रहलाद महाराज जी ने बोले देखो, मौन व्रत श्रुत तपो दायन सधर्म व्याख्या रहो योप समाधायो आप बरगा प्रायः परम पुरुषो तेतु अजिंत अजितेन्द्रियानम वार्ता भवन्ति उतो नवात्रो तुदंभिकानम। मेरे प्रायः ठाकुर जी ऐसा है, जो व्यक्ति मौन रहता है, मौन व्रत रखता है, श्रुतो बहुत शास्त्र अध्ययन किया, स्वयं श्रवण किया, तपो किया, अध्ययन किया, श्रुतो हैं, ये सारे जो है तुम्हारा जो श्रवण किया हो रहा है सब कुछ, ये जो कुछ है मौनो व्रतो श्रुतो अभी श्रवण किया कर रहे हो, तपो अध्ययन सधर्मो व्याख्या रहो यपो समाधाय, जो कुछ भी करो आप वर्गो, जो कुछ भी करो आप वर्ग, हाँ प्रायः परम पुरुष अतेतु अजितेन्द्रियानाम वार्ता भवंती उतो नवात्र तुदाम्बिकानाम। जो दाम्भिक व्यक्ति है, जो अजितेन्द्रिय व्यक्ति है, इसका लिए ये श्रवण कीर्तन, इसका लिए मौन व्रत ऊंचा खूल, जो कुछ भी है अध्ययन स्वधर्म पालन, जो कुछ भी है रहो जप, एकांत में जप किया, सब किया, वार्ता भवंती वो खाने पीने का मसला आ जाए, मौनी बाबा बन के बैठा हुआ जैसे ज्यादा आए हमारे पास भोग का सामान, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है वो क्या है, बोले ये जो दाम्भिक व्यक्ति का लिए ये है वार्ता भवंती, माल मारने का चक्कर। और जो गौर किशोर बाबा आदि जो सब महात्मा लोग है, इच्छा करके ऐसा करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, क्योंकि विरक्त तो करे आंखें, दुनिया भर का संसार का कहानी सुना है, बोले भाई बाबा मौन है, कुछ नहीं है गौड़िया मठ में मौनो फोनो कुछ नहीं है, हर प्रकार हरी कथा बोलो कीर्तन करो, आलतू फालतू समझ जाएगा, इसलिए ऐसा है ना, तो क्या करे। जब मैं ऐसा बोला मौन व्रत श्रुतो तप ध्यायनम सधर्म व्याख्या रहु यपो समाधायो आप वर्गः प्रायः परम पुरुषः तेतु अजितेन्द्रियानां वार्ता भवन्ति उतो नवात्र तुदम्बिकानां। ऐसा करके बड़ा लंबा चौड़ा शोक किया प्रह्लाद करने का बाबा भगवान जो प्रह्लाद प्रह्लाद भद्रम प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम हैं ते सुरोत्तम ब्रणम ब्रणिश्वाभिमतम काम पूरो
उसमें अहम निर्णाम। प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, प्रहलाद भद्रो भद्रम ते, प्रहलाद को भद्रो बोल के संबोधन किया, हे भद्रो तुम्हारा भद्रो अर्थात मंगल हो जाए, भद्रम ते प्रीतोस्मे हम प्रीतो हम, तुम्हारा पर मैं बड़ा संतुष्ट हूं, हे असुरोत्तम हो, असुर गणों में उत्तम हो। असुर वर जो दे ही नाम वो एक व्याख्या था, मेरा बात ध्यान देना, जब प्रहलाद महाराज पिताजी जो पिताजी को बताया जाए असुर वर जो दे ही नाम, अब असुर का अंदर में वर जो है असुर श्रेष्ठ हो, लेकिन इधर जो व्याख्या है वो नहीं, इधर सुंदर व्याख्या है, इधर बोला देखो आप असुरों में उत्तम है, आपका अंदर में असुर भाव नहीं है, असुरों का अंदर में उत्तते असुरोत्तम हो, असुरों में आप उत्तम है, व्याख्या अलग हो गया, असुरों का अंदर में उत्तम हो, उद्गत तमो नहीं है आपका अंदर, हो गया आप बरम ब्रण स्वाभिमतम, तुम्हारा जो वर चाहिए हमसे मांग लो, क्या वर चाहिए बोलो, क्योंकि मैं हम जो है हम काम पूरन पूरा दुनिया अनंत ब्रह्मांडो का जो काम है वो काम हम ही पूरा करते, पूरा करने वाला हम ही है, काम पूरो उसमें हम निर्णाम, सबका जो काम है पूर्ति करने वाला मैं हूं एकांत। और देखो हमारा दर्शन सुदुर्लभ है, अनंत काल चक्कर काटते रहे जीव, हमारा दर्शन नहीं मिलता है। माम प्रणतो आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम ही मे, हमारा दर्शन सुदुर्लभ है, पीछा नहीं जाएगा, मांगो कुछ। अब प्रहलाद महाराज शर्म के मारे सर झुकाया, ठाकुर जी ये क्या चक्कर, आप बोल मांगो मांगो, हमारा मांगना है ही नहीं, हमारा कुछ आपके पास क्या मांगे, आना आना कुछ मांगो, मैं आया तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ मांगो। ठाकुर जी हमारा कुछ मांगे है ही नहीं, तो मांगे कैसे ना। प्रहलाद महाराज सोचे ये मेरा ठाकुर जी है, ठाकुर जी हमारा साथ आए हैं, और भक्ति योग का भक्ति योग में ये नियम नहीं है कि ठाकुर जी से कुछ मांग ले, मांगो तो भक्ति योग विशुद्ध भक्ति योग नहीं होगा। तो नारद जी बोले भक्ति योग अश्व त्वत सर्वम अंतरायो तैयार भकह मन्न मानो ऋषिकेशम स्मय मानो वाच। प्रहलाद महाराज बोले ये जो मांगना, ये मांगने जाए तो शुद्ध भक्ति का खिलाफ हो जाए, इसी विचार से ये प्रहलाद महाराज ऋषि के अर्थात नृसिंहदेव को हंसते हुए बोला। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले ठाकुर जी ऐसे ही तो मैं असुर खानदान में पैदा हुआ, और फिर बर मांगो बर मांगो बर मांगो क्या लगा के रखे हो, और हमारा लोभ आ जाएगा अंदर में, तो ये तो आप ऐसा मत ठाकुर जी ऐसा नहीं करना, कृपा करो। मां मांग प्रलोभयत, मां मांग प्रलोभयत पत्यासक्तम कमेश तोयर बरोई, हमसे बर ले लो बर ले, ऐसा मत बोलो, आप लोभ दिखा रहे हैं ना, लुभा रहे हो मेरे को, ऐसे तो मैं लोभी हूं, असुर कुल में पैदा हुआ मेरा, हमको लुभाया, हमको लोभ मत दिखाना ठाकुर जी। मां मांग प्रलोभयत पत्यासक्तम कमेशु तोयर वरई यत्संग भी तो निर्विन्न मुमुक्षास्तम उपाश्रितहा, हम तो निर्विन्न हो गया विषय से एकदम, हमारा कुछ मतलब ही नहीं विषय से, हमारा कोई मतलब विषय क्या करे ठाकुर जी, निर्विन्न हमारा अंदर में विषय का कोई चेष्टा ही नहीं है, क्या आप बार बार ले लो ले लो, हम क्या ले बोलो। बार बार ठाकुर जी बोले देखो आप मेरा स्वामी हो, मैं आपका भृत्य हूं, और भृत्य तो वो है जो वास्तव भृत्य वो है जो स्वामी से कुछ मांगता नहीं, सेवक वो है जहां हम इतना दिन सेवा किया कुछ तो माल मिलेगा ऐसा कुछ सोचे नहीं, वो है सेवक, और मालिक वो है जो भृत्य को एकदम अंतर से प्रीति करे। तो आप मेरा ऐसा स्वामी हो, मैं आपका ऐसा भृत्य हूं, और दोनों का अंदर में कोई लेन देन नहीं है, माल लेने देने का कोई संबंध है नहीं, तो बार बार आप बोलो ले लो क्या ले हम बोलो तो हैं। और जस्त आशीष अस्तस्ते नौ सौ भृत्य सौ वही बिना कह बनी कह, आपका और हमारा बीच में ऐसा तो रिलेशन है नहीं ठाकुर जी। नान्यथा ते अखिल गुरु घटे तो करुणात्मना, हे करुणात्मनो ठाकुर जी आपका साथ तो मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है, संबंध तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि अगर
जस्तु आशीष आश्वस्ते, जो सेवा करने के बाद कुछ आशा करे स्वामी से, वो तो सेवक नहीं है, वो बनिया बनिया है, बनिया बिजनेसमैन है। गुरु जी का बहुत सेवा किया, बस बाद में गुरु जी आपका सेवा किया, हमको आचार्य बना के जाना, हाँ हाँ तुमको आचार्य बना देंगे, हो गया हो गया, बिजनेस हो गया। लोग हमको देखे कितना बड़ा सिंहासन में बैठे, कोई नहीं बुलाएगा, जिस समय छागल है वही बुलाएगा, कोई संतोष समाज बुलाएगा नहीं तुमको, अगर ऐसा करोगे कोई बुलाएगा ना, पूछेगा भी नहीं, जितना करोड़ रुपया तुम्हारे पास है क्यों नहीं, बुलाने के लिए शुद्ध वैष्णव लोग आएगा नहीं तुम्हारे पास। बिजनेस हो गया, हम सेवा किया, हमको कुछ दो, ये मंदिर हमारा नाम पे लिख देना, हाँ हाँ तुम्हारा नाम पे लिख देंगे, हो गया। गुरु जी से कुछ लेना ही नहीं है, कुछ लेना नहीं है, देना है, और लेना है तो एकमात्र संपत्ति, अंत संपत्ति जो भक्ति है ये लेना, और कुछ नहीं। गुरु प्रीतो पयोच्छति वैकुंठ जोगी दुर्लभम, गुरु श्री गुरु जी अगर प्रसन्न हो जाए मेरा ऊपर, कोई रोक नहीं सके मेरे को, गुरु जी वैकुंठ जोगा गोलोक में भेज दे, जहां कुंठा धर्म नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, कुंठा धर्म। इस बार में काल चर्चा करें, उसका बाद प्रहलाद महाराज बोले ठाकुर जी ऐसा करो, बार बार बोल रहे हो, आपका भी सम्मान रह जाए, आप बार बार बोल रहे हो कृपा, आप बार बार बोल रहे हो कि आशीर्वाद ले लो, बर ले लो, बर ले लो, ठीक है हम बर मांग दिया आपसे, एक बर आपसे, एक बर हम आपका पास एक बर मांग रहे हैं, ठीक है। यदि दाससी में कामानो बरांग बरदोर सब कामान हृदय हृदय संग्रह भवतस्तु विने वरम, यदि देना ही चाहते हो जोर जबरदस्ती तो ठीक है दो बर, ये बोर दो, क्या बर है, यदि दाससी में कामानो वरांग स्वंग बरदोर सब, हे बर देने वालों में श्रेष्ठ है बरदोर सब, माने जितना सारे वरदान करने वाले हैं उसमें आप सबसे ऊपर, देवता लोग भी बर देते हैं, तो क्या आपका आपका पोजीशन क्या ऐसा है, जितना बर देने वाले हैं सबका ऊपर है टप, तो आप जैसा बर मांग लो थे, मेरा ऐसा बर रहा कि कोई कामना वासना आते किसी मांगने का इच्छा ही ना रहे, ऐसा बर दे दो, कैसा बर मांगा, देखो भगवान से चालू है ज्यादा भक्त लोग, भगवान से ज्यादा चालू है, भगवान चालाकी करता है, भक्त लोग और भी चालू है, हैं कैसा चालू है देखो। भले ठाकुर जी ठीक है ऐसा बर दे दो कि हमारा हृदय में कोई कामना वासना का उत्पत्ति ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे बर दे दो। बोले ठाकुर जी बोले हमसे तो ज्यादा चालू है, देखो कामना वासना का उत्पत्ति ना हो ऐसा बर दे दो, ऐसा बर कौन मांगे, एक प्रहलाद महाराज छोड़ के वृंदावन में कई घटना है, रूप सनातन का घटना सुने हैं, जो मिला था सनातन को परस पाथर, ये तो हो गया। वृंदावन में हमारा एक निम्बार्क संप्रदाय का एक बड़ा महात्मा है, इनका नाम है नागा बाबा, नागा बाबा मतलब नागा नहीं, नागा बाबा सुनने से लोग बोले नागा ना, नागा नहीं, नाम नागा बाबा। उसका जन्म हुआ पैगाव, पैगाव है, पैगाव बोल के गांव है, हम भी जाते रहते हैं उधर, फैलन गांव, पैगाव, ये सब तो जाएगा, बाबा का जन्म है। हाँ बाबा ब्रज में ही रहते हैं, भजन करते रहे, कॉपी ना है कुछ नहीं, इतना है हवा कम अभी चलता है, वृंदावन से गोविंद का आरती दर्शन के हवा कम है, गोवर्धन चला गया, गोवर्धन से भी चला गया कहां नंद गांव बरसनारी, बाप रे बाप रे, हवा जैसा चलता है। एक दफे चलते चलते क्या हुआ, नागा बाबा का जटा था, जटा क्या हुआ, कांटे का झड़ में, कांटे का झाड़ है वहां जटा ऐसा लग गया, तो जाना चाहिए जाना, दो हाथ माला है, एक हाथ में करूंगे एक हाथ में माला, ये जो कांटे हैं, कांटे में ये आपका जो जटा है वो लग गया, बाबा जाना चाहे जा नहीं सकता, और क्या करे, एक जगह खड़ा हो गया, और जंगल से जाते हुए कुछ ब्रजवासी, बाबा क्या हुआ इधर खड़ा क्यों हो, कुछ नहीं, ओहो आपका जटा उलझ गया, लग गया, हर जो आम खोल देते, है बिल्कुल नहीं खुलना, खुलेगा नहीं तो जाओगे कैसे, तेरे को खुलना नहीं है, जिन्होंने लगाया वो खुलेगा, कौन लगाया, वो जो लगाया लोग है, तू जा अपना काम, तू अपना काम पे जा, जो लगाया वो खुलेगा, अब वो कौन लगाया, एक दिन गया पूरा दिन खड़ा है, रात दिन पूरा, बाबा अभी भी खड़ा, खोल दे, नहीं
खोला नहीं, जो लगा है वो खुलेगा। तो कृष्ण को रहा नहीं गया, कृष्ण आ गया, आके बेस बना के आया, बाबा लो तुम्हारा खुल दे, नहीं खुलना नहीं, जो लगा वही हम, वही है जिसका आप दर्शन चाहते हो वही हम है, नहीं खुलना नहीं, हम मानते नहीं तू वो है। कैसे माने धोखेबाज? बोल ना धोखेबाज नहीं, मैं कृष्ण हूं, ना मानता नहीं, अगर प्रिया जी आए राधा जी आए सामने तो हम मानेंगे। तो कितना चालू है रे बाबा, राधा जी को शरण किए, राधा जी आके जुगल दर्शन किया। ठाकुर जी बोले देखो कितना चालू है, हैं हम दर्शन दिया फिर भी बोलता माने नहीं, जो जा राधा जी आए जुगल दर्शन किया, कितना चालू है। जो भजन करते हैं वो इतना चालू होता है, ठाकुर जी उसका सामने सर झुकाते हैं, इतना चालू है। प्रहलाद महाराज देखो कितना चालू है, प्रहलाद बोले अगर देना है ऐसा करो जो हमारा हृदय में कामना वासना का कोई शेष ना रह जाए, कोई इच्छा ही नहीं रह जाए। उसका बाद बोले प्रहलाद महाराज मेरा पिता आपका ऊपर बहुत ऐसा हमारा आप हमारा जो पिता है जिसका ऊपर कुपित होके आविर्भाव हुए हो तो इसका ना अमंगल हो जाए, मेरा पिताजी जो है वो उसका अमंगल है। निसिंह हंसना शुरू कर दिया, क्या बोलते हो प्रहलाद, है जिसको हम गोदी में उठा लिया फाड़ दिया, हमारा हास्य स्पर्श हुआ उसका कैसे अमंगल होए, हैं? अरे बाप रे बाप, भजन तस्मात पिता में पुए तो दुस्तरा दुरंत रघात पुतस्ते अपांगो संदृष्ट तथा कृपण अवसल, हमारा पिता का मंगल हो जाए थोड़ा, दुरंत नरक में पतन होने वाला हमारा पिताजी, ऐसा अमंगल किया, कितना मारा मारी काटा पीटी कितना किया, आप थोड़ा कृपा करना। इसका पहले एक श्लोक था, हम काल बताएंगे आज भी, भोगेन पुल्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा, इसका हम थोड़ा व्याख्या पहले भी किया था, भोग के द्वारा अपना पूर्व ऊर्जित जो पुण्य है उसको खय करो। बोले भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कले वरम काल जबे न हित्वा कृत्रिम विशुद्ध्यम सुरलोक गीतम बितायो ममेश्वरी ममेश्वरी मुक्त बंदो, तुम अभी गद्दी में बैठो, इसके बाद वो आपका जो जो कुछ भी खय करो, उसका बाद में शरीर छोड़ के मेरा पास भी जाओगे, कोई चिंता नहीं। जब बोले मेरा पिता का मंगल हो जाए, नृसिंह भगवान हंसना शुरू कर, क्या कह रहे हो, जिस स्कूल में तुम जैसा महाभागवत का आविर्भाव हुआ है उसका 21 पीढ़ी खानदान पार हो गया, 21 पीढ़ी, तुम क्या कर रहे हो हमारा पिताजी का मंगल हो जाए, क्या कर रहे हो तुम, 21 पीढ़ी जिस खानदान में तुम जैसा महाभागवत। बोले स्त्री सप्त भी पिता पुतः पितृ भी सहोते अनग यत साधु अस्कूल या तो भवान वैकुल पावना, पूरा खानदान को पवित्र करने वाला 21 पीढ़ी तर जाए, और तुम बोल रहे हो हमारा पिता का मंगल हो जाए 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी का व्याख्या कई बाहर का आदमी उल्टा करता है, 21 पीढ़ी का मतलब सोचता है कि हमारा जो अभी का पिता माता, हमारा अभी का पिता माता उसका पिता माता ऐसा सोचता है, विश्वनाथ चौधरी वाला नहीं। 21 पीढ़ी का मतलब ये जो जीवात्मा प्रहलाद महाराज, अभी जो प्रहलाद रूप का, प्रहलाद तो नित्य स्वरूप है ही है, साधन सिद्ध सब में विचार है, हम तो इधर ये लोगों के लिए बोलने के लिए बैठे। जो प्रहलाद महाराज का पूर्व कहानी भी है पढ़े होगे, उपवास किया निसिंह ज्योति से, वो सब कहानी है सब हम नहीं, वो तो साधन सिद्ध नित्य सिद्ध भी है, उसका बात हम छोड़ दो। हम बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो अभी प्रहलाद महाराज रूप जन्म हुआ, पूर्व जन्म में जो पिता माता को आश्रय किया, उसका पहले जन्म में जो पिता माता का आश्रय किया उसका पहले, ऐसा एक स्पिरिट, ये नहीं कि इस जन्म में एक स्पिरिट, ऐसा नहीं, ऐसा बोला। जो भी है ये बार जो है, यत्र यत्र च मदभक्त्या प्रशांतः समदर्शिनः साधवः समुदा चरन्ते साधवः समुदा चरस्ते पुयान्ते ओपि कटा यत्रो यत्रो च मद्भक्त्या प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचरस्ते पुयान्ते ओपि कटा। तुम्हारा मापिक भक्त जहां भी रहे जिस जगह रहे वहां का कीड़े मकोड़े रहे वो भी पवित्र हो जाएगा। एक भक्त शुद्ध भक्त जहां रहता है
वो कीड़े मकोड़े वहां जो है वो जो कीर्तन कहते हैं उसका द्वारा कीड़े मकोड़ो भी मंगल हो जाए, ऐसा महिमा। पुयंते ओपी की कटहा, देखो कैसा भाग। और प्रहलाद महाराज ने घोषणा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, देखो भगवान ने बोला भवान में खलु भक्त्यानाम सर्वेशम प्रतिरूपोदिक। कोई अगर मेरे को पूछे ठाकुर जी आपका भक्त कैसा होता है, बोला हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रहलाद को ए देखो, प्रहलाद को देखो, क्या ज्यादा बातें करने का दरकार नहीं। ठाकुर जी बोले कोई अगर पूछे मेरे को आपका भक्त कैसा होता है ठाकुर जी, बोले हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पूरा प्रहलाद को उपल्लाद तुमको लेके, बोला ए देख प्रहलाद को देख, हो गया छुट्टी हो गया। ऐसा है ठाकुर जी का, भवान में खलु भक्त्यानम सर्वेशम प्रतिरूप दृक्। भवान में खलु भक्त्यानम सर्वेशम प्रतिरूप दृक्। भक्त होना चाहो ऐसा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार, यही तो चैतन्य हमारा गौर धाम पे जो निशिंगो देव है इसका विशेष महिमा है। हम लोग अर्चन करते गौर निशिंगो, ये गौर भगवान ही निशिंगो रूप में है, हम लोग ये सोचते हैं प्यार करके। प्रभुपाद जी ने एक दफे जोगपीठ मंदिर में भजन करते करते देखा निशिंगोपल्ली से निशिंगोदेव रोज आते आते आके निशिंगोपल्ली है ना, निशिंगोपल्ली से गौर को दर्शन करने के लोग आते निशिंगोदेव, वो निशिंगोदेव तो गौर एक ही है, फिर भी प्रभुपाद जी ने देखा रोज निशिंगोदेव निशिंगोपल्ली से गौरांग चरण में दंडवत करने के लिए आते हैं। ये देख के प्रभुपाद का बड़ा कष्ट हुआ, बोला ठीक है ऐसा करे कि निशिंगोदेव तुमको इधर ही प्रतिष्ठा कर दे। उसके बाद निशिंगोदेव का प्रतिष्ठा जोगपीठ मंदिर में, जोगपीठ मंदिर में जो निशिंगोदेव का प्रतिष्ठा है, और विशेष करके परमाणु का भोग है, विशेष परमाणु भोग, बाकी भोग तो है ही है, वो निशिंगोदेव के लिए विशेष परमाणु भोग है, समझा। तो ये है विशेष, और भवान में खोलो ऐसा। बोला तुम्हारा पिताजी जो है मदंगो स्पर्श नेना अंगो लोकानो यस्सति सुप्रिया, हमारा स्पर्शो जिससे हो जाए वो तो परम मंगल ऊर्ध्वलोक को जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, बस हो जाए। इस विषय में एक बात है, हतारी गोतिदायक एकमात्र कृष्ण है, हतारी हतो अरि दुश्मन को मारने के बाद जो गोती देने वाला एकमात्र कृष्ण है, कृष्णचर के नहीं है। निशिंगदेव किया, कृपा किया, सब किया, लेकिन अंतिम में भगवान श्री कृष्ण उसको गोती, जो अंतिम गोती जो है असुर का, हतारी गुरु गोतिदायकत्व एक विशेष चीज है। निशिंगदेव चाहे तो दे सकता, लेकिन हतारी गोतिदायकत्व बोल के कृष्ण का एक विशेष गुण है, गोस्वामी लोगों ने लिखा। गौरलीला में देखो ये जो जय विजय है, जय विजय हिरण्यकशिपु, उसके बाद रावण कुंभकर्ण, उसके बाद क्या हुआ कंसो है, शिशुपाल दंतवर्क, कंसो नहीं, कंसो का परिचय दूसरा है, शिशुपाल दंतवर्क हुआ। इसके बाद ये जो हमारा काजी जो है इसको उद्धार करने का प्रसंग, हमारा गुरुवर को बोलते हैं ये बेटा कंस ही था, इसको प्रेम दे दिया, जा ठाकुर जी ऐसा कि गौरांग महाप्रभु प्रेम दाता, आज एक्चुअली मुक्ति दाता, हतारी गोती दायकत्व कृष्ण का विशेष गुण है, और मुक्ति दाता जो है विष्णु तत्व छोड़कर कोई नहीं मुक्ति दे सकता सब। और कृष्ण छोड़ के नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण छोड़ के आमी बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं सकती, हम अगर खोद ना जाए वो ब्रज का प्रेम का विषय जगत में देना, ये प्रेम देना संभव नहीं। निशिंगो देव की बराहो देव किसी के द्वारा प्रेम वितरण संभव नहीं, लीला अवतार है, एकमात्र कृष्ण को आना पड़ेगा। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए, जिसको इच्छा प्रेम दिया चल, जिसको इच्छा दे दिया, जिसका जंगली जानवर को बाघ सिंह सब प्रेम दे दिया, नित्य करना शुरू कर दिया। ये गौर अवतार हेनो अवतार है, कि अवे
है ना, प्रेम परोचार, ऐसा आर नहीं होगा कभी। और इसका बाद नृसिंह भगवान का साथ ये सब सुंदर बातें हुआ, उसका बाद जो है विचार करते करते अभी जो है इधर, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज को क्या किया, अभिषेक कराया, अभिषेक करके सिंहासन में बैठा दिया। नृसिंह भगवान तो धन हो गए, इसका पहले थोड़ा बहुत बात है। नृसिंह भगवान जब संतुष्ट हो गए, शांत हो गया, तो अब ब्रह्मा आदि बगल में आया, तो ठाकुर ब्रह्मा जो नृसिंह भगवान बहुत डांटा है, हे ब्राह्मण ऐसे वर किसी को नहीं देना, ब्रह्मा को डांटा है नृसिंहदेव। ब्रह्मा को बोला ऐसा वर किसी को ना देना, देखो क्या हुआ, तुमने वर दे दिया, इसी चक्कर में मेरा ऐसा देखो आना पड़ा। ब्रह्मा को डांटा, कभी ऐसा वर नहीं दे, सांपों को तुमने अमृत खिलाया, वही नाम अमृत हो यथा, वही नाम अमृत हो यथा, सांपों को तो अमृत पिलाया, ये सांप है, हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा करके फिर उसके बाद जो है अभिषेक करके प्रहलाद महाराज को बैठा दिया। प्रहलाद महाराज ठाकुर जी का आदेश पालन करते हुए आचार्यों का काम किया, पूरा जगत में प्रहलाद महाराज आचार्य है, आचार्यों का काम किया। हमारा गौड़ीय मठ का प्रचार का विषय क्या है, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन धर्म, संकीर्तन धर्म के द्वारा गुप्त ब्रज प्रेम, बट स्टिल फिर भी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज इसको इग्नोर नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना, पतन हो जाएगा। महाप्रभु की पागल नहीं है, सुबह में बोलना चाहना, हम शाम सायंकालीन अधिवेशन व्याख्या करें, हैं? महाप्रभु का जितना सारे क्रियाक्रम है सारे हमारा भजन का संपत्ति है, सही था। चैतन्य महाप्रभु का उठना बैठना खाना सोना कुछ भी बोलना, एक एक क्रियाक्रम जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु जी का एक पल का लीला जो है वो लिखने का हिम्मत ब्रह्मा का नहीं है, एक पल का अंदर क्या लीला किया, इतना गंभीर रहस्य, हम कौन होते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो इनू करके बोलो। और हमारा गोस्वामी लोगों ने सुंदर बता दिया, देखो चैतन्य महाप्रभु का जो कुछ भी है सारे अगर समझ में आए तो भजन इसी जन्म में हो पाएगा। हमारा अंतिम प्राप्ति तो है ब्रजो प्रेम, लेकिन ये जो प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज इसको उपेक्षा नहीं करना, ये सब सुनना। अपना जो पोजीशन है अभी किस स्थिति पे हो, आप जो भजन करते करते वर्तमान अवस्था, इसको उठाते उठाते धीरे धीरे चलो, जाम करो तो एकदम गिर जाओ। प्रहलाद क्या करे, प्रहलाद महाराज की चर्चा करे क्या करे, ये सब हम तो गोपी का चर्चा करें, हाँ कर गोपी का चर्चा कर खूब, तू भी गोपी बन जा, गोपी बन जा, दूसरे गोपी का साथ लीला कर, हो गया छुट्टी, चरित्रहीन हो जा, ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही तो हो रहा है ना समाज में, क्या हो रहा है, यही हो रहा है। विदेश से आया महाराज, उसका अभी कुछ शुद्धि नहीं हुआ, बस गोपी प्रेम, विदेश से आया कुछ जानता ही नहीं, उसका शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं, अब गोपी प्रेम दे दे, इतना ईजी है। हाय भगवान कहाँ है, भक्ति में ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या सब बताया, पढ़ के देखना, इस बारे में काल हम चर्चा करेंगे, अभी देखो इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें। सभक्तेभ्यो सुध्याम निज भजन मुद्राम पदिशम सचैतन्य किंग में पुनरपिदीश्वर यस्वति पदम, ये बोला ना, सभक्तेभ्यो सुध्याम निज भजन मुद्राम उपदिशन है, अपना भक्तों जनों में जो किस चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में आए भजन करने के, सबको ही कह ले चैतन्य महाप्रभु स्टैंडर्ड वार्निंग रखा। आज जगदानंद पंडित का प्रेम विवत जरूर पाठ करना, कुछ भी हो आपसा लड़ाई हो जाए आपका साथ, उसी को पाठ करना। क्या करोगे अगर कोई साधु नहीं बनेंगे तो, क्या करोगे तुम, अपना जिंदगी खराब करोगे, हर वक्त चेष्टा करो, ये मठ मंदिर है हरि भजन के लिए, ये दूसरा काम के लिए नहीं है, हम डरने वाला नहीं है, डराने वाला हमको कोई नहीं है दुनिया में, हरि भजन करने के लिए मठ है, दूसरा काम के लिए नहीं है, ये कोई मेजबानी नहीं है, प्रभुपाद जी का कहना, कल चर्चा करेंगे हम। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है निजो
जो निजो जो निजो जो जितना सारे भक्त लोग है और फ्यूचर में होयाचन होइबेन वैष्णवेर गण है होयाचन होइबेन वैष्णव अवैष्णव नहीं जितना सारे है सब कोई कह ले चैतन्य महाप्रभु का जो आचार आदर्श जो है वो हर वक्त लिखा रहेगा सभक्तिव शुद्ध्याम निज भजन मुद्रा मुफ निज भजन मुद्रा कब क्या बोला कब क्या किया कब क्या सब कुछ जो है सब किस लिए मतलब सब इसलिए है कि सबको सिखाने के लिए आचार्य का आचरण भी ऐसा होना चाहिए। आचार्य का आचरण में कोई शिष्य अगर डाउट करे तो तुरंत उसका पतन हो जाए। सिद्ध आचार्य अगर है शुद्ध और आचरण डाउट करने वाले चरित्र है तो डाउट तो करेगा ही शिष्य भी गुरु नरक में जाए गुरु जी नरक में दोनों ही जाए गुरु शिष्य दोनों का ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अन्नयन और श्रीणंती है तो उभो ब्रजत कालक कालम अक्षयम ब्रजत नरक नरक कालक अक्षय काल के लिए नरक में जाता है। जो व्यक्ति अन्याय कीर्तन करता है कथा और जो व्यक्ति सुनता है दोनों ही तो उभो ब्रज कालम अक्षयम कहा नरक में नरकम कालम अक्षयम नरक जाते हैं ऐसा विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु का ऊपर आचार्य आज पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड में होगा नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु जो आचार्य का काम किया वही शिष्य आ चैतन्य महाप्रभु का बाद चैतन्य महाप्रभु का बाद जितना सारे हमारा वैष्णव समाज में जितना सारे गुरुवर्ग आए आए ना चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का जो जितना सारे है आचार्य का जो स्पेशलिटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जितना सारे आचार्य कोई कमी नहीं हम किसी को निंदा नहीं कर रहे जितना सारे आचार्य यहाँ तक कि रामानुजाचार्य माध्वाचार्य निम्बार्काचार्य जो भी हो बहुत कुछ दिया है इन लोगों का चरण में अनंत काल मेरा प्रणाम है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो विचार दिए हैं वो विचार कभी भी इतिहास इतिहास किसी जगह लिखा नहीं किसी जगह लिखा नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो विचार दिखाई पड़ता है सब प्राणी भगवान का संतान है किसी को मारो मत। तुम अगर हिंसा छोड़ दोगे तुम पर भी कोई हिंसा करे वो महारानी स्वयं अगर इधर उपस्थित होती राधारानी अगर स्वयं इधर आती राधारानी का जो खुद का जो विचार है वो विचार नयन मने मंजूरी राधारानी का नयन का मंजूरी ये व्याख्या करते हैं हमारे गुरुजी बोले इसका नाम नयन मने मंजूरी नयन का प्रकाश करता है नयन नयन मुनि तुम्हारा नयन का क्या दाम है अगर मुनि ना रहे है वो मुनि आंखों को प्रकाश करता है। ये राधा रानी का जो इतना प्रिय इसका नाम पड़ गया कि नयन मणि मंजरी राधा रानी का आंखें है पल भर में उसको ना दे कहां गया वो कहां गया ऐसा। तो राधा रानी का जो विचार वही विचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने दिखाया हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आदि बहुत बहुत बड़े बड़े वो लोग भी आश्चर्य हो गया घबरा गया भूपात का विचार देख के बाप रे बाप इतना सूक्ष्म विचार है। इससे हम गौड़ियों मठ का है ये जो स्पेशलिटी है इसको हर वक्त इसको चिंता करके सावधान रहना हमारा खानदान उजाड़ ना जाए हमारा खानदान उजार ना जाए। हम गौड़ियों मठ का ये विचार बोलने से हमारा छाती 42 इंच हो जाता हम गौड़ियों मठ का है। लेकिन आज जो है हमारा बहुत संकोच हो रहा है जो स्थिति है ठाकुर जी हमको क्षमा करें। पूरा पूरा जो है स्थिति जो है पूरा प्रभुपाद का विचार का ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए। कोई अलग अलग आचार्य जो अपना अपना विचार लेके बैठ गया ये चलेगा नहीं। पूरा प्रभुपाद जी का विचार गौड़ियों मठ है तो प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर बिना प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर गौड़ीय मठ नहीं है। इसका विचार हम काल प्रस्तुत करेंगे प्रमाण भी देंगे। गौड़ीय मठ इज इक्वल टू भक्तिविनोद ठाकुर गौड़ीय मठ मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ये अगर इग्नोर किया तो सत्यानाश हो जाएगा।
करोड़ों जन्म करो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, याद करके रखना। गुरुवर को बोल के गया भक्ति में ठाकुर गोपाद का विचार का ऊपर मठ को चलाओ पूरा, कुछ भी हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को भज जो समाज का बहुत सारे नियम नीति इसका बारे में, समाज धर्म वेद धर्म जो कुछ भी है सारे एक एक करके बताना शुरू कर दिए सारे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बोले ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, स्त्री लोगों का धर्म क्या है, समाज धर्म जो कुछ भी है सारे एक एक करके बोलना शुरू कर दिए, पूरा डिटेल्स है उसका। पहले नारद जी बताए देखो धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि ही। हे युधिष्ठिर ये जान के रखना जे धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि ही, सर्व धर्म का जो मूल है फाउंडेशन ये एक बात हरि है, हरि चर के कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य धर्म कैसा है और वानप्रस्थ धर्म कैसा है, सन्यास धर्म कैसा है, गृहस्थ धर्म कैसा है, स्त्री लोगों को क्या करना चाहिए, सब सारे लक्षण पूरा के पूरा सारे समाज धर्म राजनीति राजा कैसा है सारे विचार बता के पूरा एकदम डिटेल्स। और नारद जी महाराज बताएं कि देखो सत्यम दया तपह शौचम तितिक्षेक्षा समो दमह अहिंसा ब्रह्मचर्यं चर्यं च त्यागः श्रद्धाय आर्जवम संतोषः समद्रिक सेवा है ग्राम बलचेन ग्राम्ये उपरमं सनै नीनाम विपर्ययेक्षा मौनम आत्मविमर्शनम। ऐसा बताया कि जितना सारे गुणावली बताया सत्यम दया शौच आदि सब अहिंसा ब्रह्मचर्य सब सब बताया, बताऊंगा संतोष योग्य है, समुद्रिक समान दृष्टि रखना, महत व्यक्तिगण का सेवा करना, प्रवर्तक कर्म सकल जिसमें तुम जो कर्म करोगे उसको देख के समाज का आदमी प्रेरणा मिले ऐसा कर्म करना, ऐसा ये सब के द्वारा वृथाला परित्याग करना है। आ देहो देहा देहादि व्यतिरिक्त आत्मा का अनुसंधान करना, समाज में अच्छा अच्छा चीज देखने को मिलेगा, अच्छा अच्छा लड़की अच्छा अच्छा लड़का सब, लेकिन सब अनात्म दर्शन नहीं करना, आत्म दर्शन करना, सब वस्तु में देखना ये दो पल का है, ये तुमको गला घोट के ऐसा करके फेंक दे, ये सब सौंदर्य को नहीं देखना, मेरा विनती है ये सब सौंदर्य को नहीं देखना, ये सब चीजों में नहीं पड़ना, पड़ोगे तो बस गया पूरा, इतना सुंदर सुजोग मिला इसी जन्म में निकल जाओ ठाकुर जी का पास। धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेव मयो हरि ऐसा ही है। और जो कुछ भी है और देखो श्रवणम कीर्तनम चासो स्मरणम महताम गतेहे और सेवेज्या वनतीर दास्यम साक्षम सक्षम आत्मसमर्पणम। जो प्रहलाद महाराज पहले बोला था वही बोल रहा है, जो नौविधा भक्ति का वो श्रवण कीर्तन आदि ये सब करते रहो, स्मरण ये सब करते रहो, बिल्कुल भूलना नहीं ठाकुर जी को, ऐसा करके कहते ब्रह्मचारियों के लिए सारे बहुत निषेध आदि सब है, सुनेगा तो अभी गौड़ी मठ बंद हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, लिखा हुआ है सब ब्रह्मचर्य कैसे पालन हो, बड़ा समो दमो तपह शौचम संतोष शांति आर्जवम ज्ञानन ज्ञानम दयाच्युतात्म आत्मत्वाम सत्यंच ब्रह्म लक्षणम। ब्रह्म ब्राह्मण का लक्षण के समो दमो तपह शौचम संतोष ख्यांति आर्जवम ज्ञानम दया दया अच्युतात्मत्वम। ठाकुर जी का प्रतिभाव है अच्युतात्मत्वम दया अच्युतात्मत्वम स्वतंच ब्रह्म लक्षण। ब्रह्म ब्राह्मण का क्या पूरा समाज का कैटेगरी सब बता दिया ये तुम्हारा नारद जी महाराज। सौर्यम वीर्यम धृति तेजो त्यागो आत्म जयो क्षमा ब्राह्मण्यता ब्राह्मण वैष्णव को प्यार करना देखना और प्रसाद सत्यंच खत्र रखम सत्व का ऊपर निष्ठा रखना, खत्रियो बोले ना सच्चाई को पकड़ के रखना
ठीक बोला वो, तुम झूठा बोल रहे हो ऐसा। आ देव गुरुवच्युते भक्ति स्त्री वर्गो परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। वैश्य का उद्यम रहेगा, व्यवसाय वाणिज्य आदि जो कुछ भी करे करके समाज में अर्थकोरी का पूरा व्यवस्था करे। देव गुरु अच्युतो सारे ये सब में निष्ठा रखना, भक्ति करना ये सब। और शूद्र का क्या लक्षण है, शूद्र सात नति, शूद्र सर्वदा विनम्र भाव से दंडवत नति करे। शौचो शौचम सेवा सामिन्य माया अमंत्र यज्ञ ही अस्तेयम है सत्यम गो विप्र गो विप्र रक्षणम। चारो जो हमारा जो तीन जो बोला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारा समाज का शूद्र जो है सेवा करे। शूद्र सात नति है शौचम सेवा, इन लोगों का सब जितना सारे साफा करना है जो कुछ भी करना है शूद्र पूरा समाज को एकदम क्लीन रखे सेवा करे, ये विचार है। और स्त्री लोगों का क्या विचार है, स्वामी अगर गुरु वैष्णव भगवान में आस्था रखता है तो कुछ भी अवस्था में वो अगर बीमार पड़ा है कुछ भी है उसको त्याग नहीं करना चाहिए। अगर असुर है बिल्कुल ठाकुर जी को मानता नहीं गुरु वैष्णव को अपमान करता वो तो ऐसे ही त्याग होगी, क्या रख के क्या करोगे ऐसा है। हैं बहुत सारे लक्षण है, अभी ये बताने से दिमाग खराब हो जाए, हम नहीं बताएंगे। आप ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे ऐसा जो है अभी करते हुए आप जो है अभी धीरे धीरे सारे लक्षण को बताएं, उसके बाद हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। मछली अवतार के बारे में थोड़ा बहुत दो मिनट में बता दे। सत्यव्रत बोल के एक राजा है, ये सत्यव्रत बोल के वही बहुत बड़ा घटना है, हम छोटे में बता दे। सत्यव्रत नाम का एक राजा था, इसको ठाकुर जी कृपा करके एक दिन कीतमाला नदी में गया तर्पण आदि स्नान करने के लिए, और हाथों में एक छोटा सा सफरी पुटी मा जो है छोटे इतने आया, तो राजा ऐसा करते पानी में छोड़ना आ मछली बोल के रो, राजन हमको छोड़ो मत, हम भाई भयभीत है। बोले मछली बात करते क्या बात है, पर फिर उठा लिया, राजन हमको अच्छा जगह रखो पानी में, हम बड़ा भयभीत है। उसको अच्छा पानी कुमंडल में रखा, कुमंडल में घर आते आते बड़ा हो गया, कुमंडल में हमारा जगह नहीं हो रहा है, बड़ा जगह में रखो, एक बड़ा पानी का जगह में उधर रखा, और देखते देखते और बड़ा हो गया। बोले इधर नहीं हो रहा है हमारा, अब बड़ा एक कुंड में रखो, कुंड में रख दिया, कुंड में हो बाद में कुंड में बड़ा हो गया। भाई बोले हैरान की मछली है, कौन है भाई, मछली का रूप पकड़ के आए। अंतिम में क्या हुआ, कोई जगह होता ही नहीं, अंतिम में क्या हुआ, समुद्र में छोड़ो, कहाँ छोड़ोगे, इतना बड़ा हो रहा है, ब्रह्म वस्तु है ना। और ठाकुर जी बोले देखो आज से सात दिन का अंदर सारे प्रलय हो जाएगा, तुम ऐसा करना जितना सारे जो पृथ्वी में जितना सारा बीज है ना सब बीज को उठा के इकट्ठा करके वो हम आएंगे बिहार करने के लिए, प्रलय हो जाएगा, प्रलय कालीन समय में मैं बिहार करने का मेरा इच्छा है, और एक बड़ा नौका आएगा उसमें सारे बीज को उठाकर अपने चढ़ जाइयो, उसमें सप्तर्षि भी रहे और आप लोगों को लोके हम क्या करें, और जो नौका जो है जो बोट है बोट का जो रस्सी रस्सा है रस्सा क्या करें, हमारा जो सिंह है मछली बन का है हमारा सिंह में लगा देना, जैसे सिंह माच आदि है ना बहुत सारे, और हम प्रलयकालीन जल में विहार करते रहे। और ठाकुर जी प्रलयकालीन जल में विहार करते रहे। बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान अगर मत्स्य रूप पकड़े, बारा भगवान बराह रूप पकड़े, भगवान कूर्म रूप पकड़े, कोई भी रूप पकड़े, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, भगवान किसी भी रूप पकड़ ले कृपा करने के लिए तो भगवान भगवान ही रहता है। मत्स्य अवतार क्यों किया, जंगली जितना जलचर प्राणी है वो बोले ठाकुर जी हमारा नहीं है, ठाकुर जी हमारा अंदर नहीं आते, ठाकुर जी इच्छा करके वो लोग संतुष्ट विधान का मछली बन गया। पशु लोग बोले ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, हमारा पशु है, हम लोग ठाकुर जी उन लोगों को दुख निवारण करने के लिए स्वयं बराह रूप हुआ, निशिंग रूप हुआ, ऐसा करके हैं कछुआ रूप हुआ,
ऐसा करके जितना सारे रूप है ठाकुर जी बोले हम सब तुम्हारा है। जितना विचार है उपनिषद में, जितना सारे प्राणी हैं, जितना सारे प्राणी हैं दिखाई पड़ता है, सब प्राणी भगवान का संतान है, किसी को मारो मत। तुम अगर हिंसा छोड़ दोगे, तुम पर भी कोई हिंसा करे वो मर जाएगा। तुम जिस दिन हिंसा करना छोड़ दोगे बिल्कुल, तो तुमको कोई हिंसा करने आए वो मर जाए, स्वयं मर जाए, खत्म हो जाएगा। इसका बारे में उपनिषद में विचार है, हम काल बताएंगे। और काल से गजेंद्र मुक्षण आदि अष्टम स्कंद का चर्चा होगा, तैयार होके आना, ठाकुर जी कृपा करे। और जो कुछ भी है वो चर्चा है, और ऊंचा चर्चा होना चाहिए था, ऊंचा चर्चा, लेकिन समय नहीं है, स्थिति भी नहीं है, ठाकुर जी क्षमा करें। प्राये न देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरंत विजने न परार्थ निष्ठा नैता न विहाय कृपना न विमोक्षये को नान्यम तदस्य शरणम ब्रह्मतोनुपासे वांछा कल्पतरुवस्य के पासिंद भवेच्छ पतितानं पावनं भवेच्छ नमो नमः।